एक बार ट्राई करके देख सकते हो, ये अच्छे सम्स हैं, हाँ एक बार ट्राई करके देख सकते हो, डाउट्स होगा तो पूछ सकते हो। एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन एन साइड, कैसे निकालोगे, पॉलीगॉन का एन साइड है, एरिया निकालना है, सर्कम रेडियस निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, इन रेडियस निकालना है, ठीक है, करके देख लेना एक बार। आंसर्स नीचे मैंने लिख दिया है, ये आंसर्स है उसका, ठीक है। चलो तो स्ट्रेट लाइन टू में आते हैं, स्ट्रेट लाइन बोर्ड लेवल क्लास टू। क्या किसी को क्लास वन का कोई भी डाउट है, चाहे वो डीपीपी का हो या मेरे असाइनमेंट सीट का हो, मैं 5 सेकंड्स रुक रहा हूँ, किसी का डाउट है तो बोलो, तब तक मैं टाइमर खोल देता हूँ, किसी को चार्ज ही खत्म है, कुछ डाउट है तो मुझे भेज सकते हो, अगर किए हो और कहीं पे फंसे हो तो। स्ट्रेट लाइन को थोड़ा करना रे, मैं फिर से कह रहा हूँ तुम लोग को, हाँ इम्पोर्टेंट है स्ट्रेट लाइन को करना। चलो ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा, लास्ट क्लास में, ठीक है एक बार रिव्यू करा देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, हमने स्लोप देखा, स्लोप का वैल्यू था y, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा ऑर्डिनेट माइनस डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। हमने दो लाइन के बीच का एंगल देखा, मॉड इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता है कि एम वन बड़ा या एम टू बड़ा, एक्यूट एंगल हर समय लेते हैं ये वाला। लाइन अगर पैरेलल है तब हमने देखा एम वन, दोनों का स्लोप सेम होता है। लाइन अगर परपेंडिकुलर है तब हमने देखा एम वन एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। तीसरा, हमने इक्वेशन ऑफ लाइन जो है कई अलग अलग फॉर्म में देखा। इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोगों ने सबसे पहला जो फॉर्म देखा वो पॉइंट पॉइंट फॉर्म था, जिसका इक्वेशन था वाई माइनस वाई वन बाय वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। सेकेंड, पॉइंट पॉइंट फॉर्म के बाद हम लोगों ने स्लोप पॉइंट फॉर्म देखा, वो था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, वो था x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू वन, ए बी एक्स और y इंटरसेप्ट था। हम लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, जिसे अभी तक हम लोगों ने यूज नहीं किया, बस हम लोगों ने देखा था एम एक्स प्लस c। तो अभी तक हम लोगों ने ये चार फॉर्म देखा, टू पॉइंट फॉर्म देखा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, पॉइंट 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 स्लोप फॉर्म देखा, इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, चार फॉर्म देख लेता हूँ, एक दो तीन चार इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब आते हैं पांचवें फॉर्म में, जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन तुम्हारा कहता है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग नॉर्मल डिस्टेंस पी फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल अल्फा विच नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स कॉस थीटा प्लस, सॉरी मैंने अल्फा लिया है, तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ मत, पहले क्या बोल रहा है ये देखते हैं। मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जिसका नॉर्मल डिस्टेंस, द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग नॉर्मल डिस्टेंस पी, जिसका नॉर्मल डिस्टेंस पी है कहां से, ओरिजिन से, एन एंगल अल्फा विच नॉर्मल मेक्स इट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, कह रहा है कि तुम्हारे पास अगर एक लाइन है,
इस लाइन का कुछ नहीं दिया हुआ, इन्फॉर्मेशन है कि अगर तुम ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचोगे एम के ऊपर, तो ये 90 डिग्री अगर खींचोगे तो ये डिस्टेंस दिया हुआ और ये अल्फा दिया हुआ है। तो कह रहा है तुम्हारे पास कि अगर तुम ए बी का इक्वेशन निकालना चाहो तो इक्वेशन ऑफ ए बी जो होगा वो क्या होगा, अभी जो मैंने कहा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। यहां पे अल्फा जो है वो 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये स्लोप नहीं है, ये डिपेंड करेगा, ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, 0 से 90, क्योंकि ये ऐसा भी पॉसिबल है कि एंगल यहां पे है तब तुम ऐसा बनाओगे, और तब जब ये लाइन बनाओगे तो ये तो 180 से लेके 270 डिग्री के बीच का लाइन होगा, ठीक है। तो ये स्लोप नहीं है। तो प्रूफ क्या है, प्रूफ तो बड़ा इजी है, क्योंकि मुझे इंटरसेप्ट अगर पता चल जाए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक फॉर्म देखा था x by plus y by b is equal to 1 वाला। तो अब मुझे बोलो क्या तुम, अगर मैं मान के चलूं प्रूफ, हाँ अगर मैं मान के चलूं ए बी कि ये a कॉमा 0 है और ये 0 कॉमा b है, तो इसका इक्वेशन तुम जानते हो लास्ट क्लास में था x by plus y by b is equal to 1। अगर 0,0 से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम ड्रॉ करोगे और ये पॉइंट को अगर मैं p ले लूं और ये पॉइंट को अगर मैं अल्फा ले लूं, तो ये मेरे लिए a हो जाएगा। तो ट्रायंगल OMA में cos अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, p by cos अल्फा, ये और ये, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगा पी सेक अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, मतलब ये क्या हो जाएगा तब, क्योंकि ये भी एंगल तो 90 डिग्री है ना रे, तो ये अल्फा हो जाएगा। तो ट्रायंगल ओएमबी में साइन अल्फा क्या होगा, ट्रायंगल ओएमबी में साइन अल्फा क्या होगा, इसका ऑपोजिट साइड पी है, तो पी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज तो बी है, तो पी का वैल्यू क्या हो गया, बी इंटू कॉसेक अल्फा, बी का वैल्यू क्या हो गया, पी इंटू कॉसेक अल्फा। तुम जानते हो क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन तुमने अभी लिखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी अगर मैं इंटरसेक्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये क्या होगा, इंटरसेक्ट फॉर्म में अभी हम लोगों ने देखा इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास बनता था एक्स बाय प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू वन, इसका मतलब एक्स बाय ए के बदले मैं लिख सकता हूँ पी सेक अल्फा प्लस वाई बाय बी के बदले मैं लिख सकता हूँ पी सॉरी ए के हाँ पी कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू वन। तो पी सेक अल्फा ऊपर जाके क्या बनेगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, खेला खत्म। ये मगर पी का पॉजिटिव होना जरूरी है सर, क्यों, क्योंकि पी जो है वो एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस हर समय जीरो हो सकता है अगर वो ऑरिजिन से पास कर रहा है। किसी को लिखना है तो लिख लो, बस एक चीज पूछ रहा हूँ, सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो दोबारा बता रहा हूँ नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, कुछ लोग लेट ज्वाइन कर सकते हो, ये एक ऐसा लाइन, ये इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया रहेगा, एक लाइन का इंफॉर्मेशन दिया रहता है, ये जो पी है वो क्या है, वो ओरिजिन से जो डिस्टेंस बनाओगे वो पी है और ये एंगल अल्फा है विच मेक्स एंगल अल्फा, हाँ ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तब इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, प्रूफ क्या है, प्रूफ कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें ये p पता है और अगर ये तुम्हें अल्फा पता है तो तुम जानते हो ये लेंथ p cosec sec अल्फा हो जाएगा और ये इस वाले ट्रायंगल में अगर लगाओगे तो ये p cosec अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब a का जो वैल्यू होगा वो होगा p sec अल्फा कॉमा 0 और इसका वैल्यू होगा 0 कॉमा p cosec अल्फा और यही तो b है और यही तो a है। और इक्वेशन अपना क्या था, x by plus क्या y by b equal to 1, तो x by a के बदले में क्या डाल सकता हूं, p sec अल्फा प्लस वाई वाई में क्या डाल सकता हूँ, पी कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू वन, खेला खत्म, पुट अप करके देख लो, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा, कहीं डाउट है तो पूछोगे। सर इस नॉर्मल फॉर्म के आगे आपने क्या लिखवाया है सर? उन्हें कुछ नहीं, वो बस लास्ट क्लास जो करवाया था उसका एक वो, ठीक है और आज का ये एक प्रॉब्लम अच्छा है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन है,
एक बार ट्राई करके देख सकते हो, डिफिकल्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत आसान है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर ट्राई करके देख सकते हो, ये बोला था मैंने कि थोड़ा एक बार ट्राई करके देख लेना। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, नहीं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी जरूरत नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से हो जाता है। मैं 2 मिनट का एक टाइम दे रहा हूँ, लिखते रहो। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। चलो आगे। नो सर। सर रुकिए। ठीक है सर। हाँ बोलते जा। सर अभिषेक झा को आप पहचानते हैं क्या सर? नाम तो सुना सुना लग रहा है। कौन से क्लास में है, क्या है, बोल अभी। सर इस बार उसने मतलब जेईई क्रैक IIT बॉम्बे में सिविल मिला है उसको। गुवाहाटी से ही क्या है मतलब? अभिषेक जा कौन से स्कूल में पढ़ता था? वो सेंट फ्रांसिस वाला स्कूल में था क्या? सर इतना तो पता नहीं, मतलब मैंने सोचा आप जानते भी होंगे शायद। सर ट्यूशन लिया मतलब उसने गुवाहाटी में। अभिषेक जा नाम तो सुना सुना लग रहा है, मगर वही बंदा है नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ। सर हो गया। चलो आगे चलता हूँ। तो इसमें इसमें जरूरत अभी जो तुम्हें पड़ेगा, अभी बोर्ड लेवल में जो जरूरत पड़ेगा कि हम जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसा दिखता है। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखता है AX
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में तुम्हारे पास आएगा कि तुम्हें जनरल फॉर्म दिया रहेगा, उससे चेंज टू नॉर्मल फॉर्म। तो तरीका क्या है? तो तरीका यह है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो को करते 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 तुम एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी इसमें चेंज करना है। मतलब मुझे कॉस अल्फा साइन अल्फा चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। मैं जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीजों को देखता हूं तो मैं जानता हूं कि तो मैं जानता हूं कि ये वाला एंगल अल्फा था, ये एंगल अल्फा था, ये ए था, ये बी था और ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। ये पूरा लेंथ, ये जीरो है, ये ए है, ये बी है और यहां से अगर मैं साइन अल्फा का वैल्यू निकालूं तो वो ओ ए डिवाइडेड बाय ए बी हो जाएगा। तो ओ ए क्या होगा? ए बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए कॉमा जीरो लेता हूं, मुझे तो कॉस अल्फा चाहिए था, रुक जाओ। ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो गया, ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये ए और ये बी है। तो साइन अल्फा का वैल्यू मेरे पास हो गया और कॉस अल्फा का वैल्यू मेरे पास हो गया बी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स के साथ मुझे कॉस अल्फा चाहिए था, मैं कहां कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये अगर अल्फा है तो ये 90 डिग्री है, तो इसलिए अगर मैं एक काम करता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू अगर माइनस सी लिखता हूँ और सबको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ओ ये ए बी में, हाँ सॉरी, तरीका बार बार हर समय यही प्रॉब्लम होता है, सॉरी मैं चीजें ही गलत समझा रहा हूँ तो कहाँ से होगा। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ना दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? तुम वाई को जब जीरो डालोगे तो एक्स का वैल्यू आएगा माइनस सी वाई और इसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? जब तुम एक्स को जीरो डालोगे तो वाई का वैल्यू आएगा क्या? माइनस सी बाय बी, माइनस सी बाय बी। तो ये वाला अगर ट्रायंगल है, अभी माइनस या प्लस के बारे में चिंता मत करो, ठीक है? मतलब सर ए नेगेटिव कैसे, वो तो डिपेंड कर सकता है, नहीं क्या कि अगर सी और ए का साइन ऑपोजिट है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और बी तुम्हारे पास आ गया माइनस जीरो कॉमा माइनस सी बाय बी। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूं अल्फा, तो मैं जानता हूं ये अल्फा था, तो ये वाला लेंथ अगर मैं माइनस सी बाय ए ले लूं, ये वाला लेंथ अगर मैं माइनस सी बाय बी ले लूं, तो ये वाला लेंथ मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं कॉस अल्फा का वैल्यू निकालूं तो कॉस अल्फा मेरे पास हो जाएगा माइनस सी बाय होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉमन ले लेता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी सी कैंसिल हो जाएगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा का वैल्यू सॉरी ए ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस बी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही अगर तुम कॉस अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मगर माइनस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसीलिए मैं चीजों को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। हाँ, मैं जनरल फॉर्म को ये नहीं लिख रहा हूं, माइनस लिखने के कारण चीज ब्रेन में अच्छे से आ नहीं रहा है, तो मैं चीजों को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि जनरल फॉर्म को मैं ये नहीं लिख के जनरल फॉर्म को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, बात तो बराबर है। तो अगर मैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी लू तो इससे फायदा ये हुआ कि अब मेरे लिए क्या अच्छा है कि अब दिखने में सब कुछ अच्छा लगेगा और मुझे समझाने में भी आसान होगा कि इसका एक्स इंटरसेप्ट जो होगा तुम जब वाई को वैल्यू डालोगे तो ये सी बाय कॉमा जीरो, ये देखो दिखने में कितना अच्छा लगा, जीरो कॉमा सी बाय बी, तो ये लेंथ सी बाय ए है, ये लेंथ सी बाय बी है और ये जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो ये लेंथ अल्फा है। तो ये वाला जो पूरा लेंथ होगा ये सी बाय ए स्क्वायर, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर,
क्योंकि सब अभी मैं पॉजिटिव है तो इसलिए मैं सी बाय ए भी लेता हूँ और सी मेरा पॉजिटिव होगा हर समय यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जब भी तुम सी लोगे ऐसा तो उसे नेगेटिव नहीं ले सकते हो क्योंकि सी तुम्हें एक डिस्टेंस देगा। मैंने ऊपर तुम्हें कहा था कि ये जो पी है वो पी हर समय पॉजिटिव होता है, ये चीज याद रखना। नेगेटिव होने से क्या करूंगा मैं बताऊंगा वो तुम लोग को। तो ये सी बाय ए भी बाहर निकल जाएगा तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा था, इसके कारण ये एंगल अल्फा हो जाएगा। और अगर मैं ट्रायंगल ओएबी में अब तुमसे बात करूं कि कॉस अल्फा का वैल्यू निकालो, तो कॉस अल्फा का वैल्यू जो होगा इस ट्रायंगल में दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब सी बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय ए बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी सी कैंसिल करो, बी बी कैंसिल करो, ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली साइन अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो बी बाय रूट ओवर, तुम बोलोगे सर ये तो पोलर फॉर्म है, ध्यान से देखो तो कॉस अल्फा साइन अल्फा लाने के लिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए बोलो, कोई मुझे बोलेगा? ये ए एक्स है और कॉस अल्फा बनाने के लिए मुझे ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। मतलब मैं दोनों साइड में किससे डिवाइड कर दूं, मैं इसे किससे डिवाइड कर दूं, रूट ओवर तो इससे क्या फायदा होगा, a by root over a square plus b square x plus b by root over a square plus b square y is equal to c by root over a square plus b square। और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मैंने लिया ही ऐसा है कि मेरा c पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, यहाँ तो हमने देखा ही, तो इसका मतलब ये हो गया x cos alpha plus y sin alpha is equal to p और खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो मैं एक सम करवा देता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूंगा कि चेंज इन नॉर्मल फॉर्म, वो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा ऊपर से। नॉर्मल चेंज इन नॉर्मल फॉर्म x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक काम करो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वन करो और इसे कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू सी से। तो एक का वैल्यू क्या आया, वन, बी का वैल्यू क्या आया, वन, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, रूट ओवर टू। तो इसलिए तुम क्या करोगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन में डिवाइड बाय रूट टू, तो क्या मिला, वन बाय रूट टू एक्स प्लस वन बाय रूट टू वाई इज इक्वल टू वन। इसका मतलब अब किसके साथ कंपेयर करोगे, अब कंपेयर करोगे एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, यहां भी एक बार वन बाय रूट टू होगा इज इक्वल टू पी। तो अगर कंपेयर करोगे तो कॉस अल्फा का वैल्यू भी वन बाय रूट टू और साइन अल्फा का वैल्यू भी वन बाय रूट टू, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? अगर सब दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा का वैल्यू तुम जानते हो पाई बाय फोर होगा, 45 डिग्री। तो हेंस तब इसे क्या लिख सकते हो, एक्स कॉस पाई बाय फोर प्लस वाई साइन पाई बाय फोर इज इक्वल टू कितना, वन बाय रूट टू। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो ऊपर से लिख लो, उसके बाद आगे चलेंगे। पहले ये टाइम दे रहा हूँ, फिर नीचे का 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सोचना है तो सोच के भी देखो। मगर याद रखो सी मेरे लिए हर समय पॉजिटिव है। अभी तुम बोलोगे सर अगर सी नेगेटिव होगा तो, जस्ट अभी करवाऊंगा, पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, उसके बाद जब सी नेगेटिव होगा तो मैं करवाऊंगा। सर मतलब यहाँ पर सी बाय रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी है। हाँ वही तो पी है। हाँ ये जो है दिस इज नथिंग बट दिस इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, यही पी, पी का वैल्यू है सी बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में? और अभी तुम देखोगे भी, अभी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे।
नीचे चलूं? आज द डाउट्स मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। इंस्टीट्यूट तो मैं नहीं खोल पाऊंगा, मगर मैं क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट तो खोलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मगर हो सकता है कि मैं डाउट किसी का, अगर डाउट किसी को चाहिए कि नहीं सारा फिजिकली डाउट क्लियर करो, तो वो काम मैं अभी कर पाऊंगा। हाँ, मतलब फेस वाइज में चीजों को शुरू करते हैं, वो ज्यादा बेटर है कि और जो लड़का मेरे वहां पे रहता है, वो लड़का पॉसिबली मतलब जो मेरे इंस्टीट्यूट में काम करता है, वो कल परसों आ जाएगा गुवाहाटी, तो अगर वो आता है तो फिर हो सकता है कि तुम सबको प्रिंट आउट कॉपी मिलना शुरू हो जाए चीजों का। हाँ, अगर वो एक बार आ जाएगा, परसों उसने कहा तो है, वो परसों आ रहा है। आगे चलूं मैं? चलो, हाँ मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हाँ, डाउट पूछना मत भूलो, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, डाउट पूछना मत भूलो। हाँ, आगे चलूं? यस सर। यस सर। चलो। यस सर। तो चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन सॉल्यूशन। लेट उस क्वेश्चन तो दिया ही नहीं। फॉर रूट थ्री एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म है रूट थ्री एक्स माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से तुम एक स्पेशल फॉर्म लेके जाओगे, रूट थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, मगर ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ये नहीं हो सकता है। तो माइनस को इस साइड लेके आ जाओ, इस साइड नेगेटिव आ सकता है, तो अब ये पॉजिटिव हो गया। तो ए का वैल्यू माइनस रूट थ्री है, बी का वैल्यू कोफिशिएंट वन है, रूट ऑवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू है। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड वन बाय टू। तो दिस इंप्लाइज माइनस रूट थ्री बाय टू एक्स। समझ में आ रहा है? यस सर। तो मुझे बोलो तब ये क्या होगा, क्या फॉर्म था? एक्स कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आया? माइनस रूट थ्री बाय टू। साइन अल्फा का वैल्यू कितना आया? वन बाय टू। बस एक ही रिक्वेस्ट बोलता हूँ यार, डाउट पूछा करो और खूब मेहनत करो। हाँ, ये डेढ़ साल जो बाकी है ना, बुरी तरीके से मेहनत करो, अपने आप को थोड़ा अनसोशियल बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, जिंदगी चलती रहेगी, बस ये जो डेढ़ और जो टाइम है ना, डेढ़ साल केवल इंट्रोवर्ट हो जाओ। और एक बड़ा नया टॉपिक शुरू हुआ है, अगर मोटिवेशन करना, मोटिवेशन ठीक है तुम्हें चाहिए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे कहीं भी ये इंटरलिंक नहीं है, ये कहीं भी इंटरलिंक नहीं है तुम्हारे पुराने चीजों से, इसके मतलब क्वाड्रेटिक क्या है या नहीं, ट्रिग्नोमेट्री क्या है नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो अगर सीरियसली तुम चाहते हो, मतलब दुर्गा पूजा के बाद कई लोग चाहते हैं कि एक लॉन्चिंग पैड हो जहां से मैं दोबारा जंप मार पाऊं, तो ये बहुत अच्छा एक लॉन्चिंग पैड होता है स्ट्रेट लाइन का। मगर वही वाली बात है कि तुम्हें
सीरियस होना पड़ेगा, मतलब थोड़ा अनसोशियल होना पड़ेगा। मतलब ये जो डेढ़ महीने, ये जो डेढ़ साल है ना, तुम्हें अपने आप में या तुम्हारे केवल तीन चार फ्रेंड्स ही होने चाहिए, उससे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, जिनके साथ तुम चीजों को डिस्कस करते हो, चीजों को पढ़ते हो। बाकियों से दुश्मनी मत लेके जाओ और खूब मेहनत करो, मगर थोड़ा अनसोशियल हो जाओ। कॉस अल्फा माइनस रूट थ्री बाय टू साइन अल्फा वन बाय टू, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? कॉस अल्फा नेगेटिव है, साइन अल्फा पॉजिटिव है, सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा का वैल्यू तब क्या हो जाएगा? तो हमारे पास एक तरीका था, अगर तुम्हें याद है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं अल्फा का वैल्यू थीटा डालता था पॉजिटिव के लिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो था पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में वो था पाई प्लस थीटा, क्यों मैं 0 से 360 लिख रहा हूं, और थर्ड क्वाड्रेंट में था वो 2 पाई माइनस थीटा। तो 1 बाय 2 साइन अल्फा किसके लिए होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तुम मुझे बोलोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी तुम थीटा जो है उसमें नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, थीटा में हम लोग क्या करते थे, पॉजिटिव साइन लेते थे। तो साइन अल्फा 1 बाय 2 30 डिग्री के लिए होता था, कॉस अल्फा रूट 3 बाय 2 भी 30 डिग्री के लिए होता था पॉजिटिव होने से। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस 30 डिग्री, मतलब पाई बाय 6 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। तो अगर अल्फा आ गया तो मुझे बोलोगे, तो हेंस 2 इंप्लाइज क्या, 2 इंप्लाइज उसे क्या लिख सकते हो, x cos 5 पाई बाय 6 प्लस y sin 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1। हेंस अब बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, तब हम लोग जानते हैं p, और p का तो वैल्यू ये p है मेरा, तो हेंस इज इक्वल टू 1। खेला खत्म, किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मतलब तुम्हें करना होगा, ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं होगा। डीपीपी भेज रहा हूं, मतलब मैं बस असाइनमेंट शीट भेज सकता हूं, डाउट क्लियर कर सकता हूं, उससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया है कि आजकल रिसोर्सेस बहुत मिल गया है, मतलब मोबाइल में केवल वीडियो देखने से कभी भी रिजल्ट नहीं दोगे, इस चीज को समझो, मोबाइल में वीडियो देखने से कभी भी रिजल्ट नहीं दोगे, चांस ही नहीं है कि तुम रिजल्ट देने वाले हो। और रिसोर्सेस इतना ज्यादा हो गया है कि स्टूडेंट प्रॉब्लम करना छोड़ चुका है, केवल वीडियो देखता है। जब तक प्रॉब्लम्स नहीं करोगे, नॉर्मल फॉर्म को हम लोग परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं, बोलते जा। इक्वेशन तुम्हें वो 1/2, इक्वेशन नंबर 2 में राइट हैंड साइड में 1/2 नहीं, नहीं नहीं, ये 2 से डिवाइड कर रहा हूं ना इसको, तो 2 से डिवाइड करने से तो वो तो 2/2 हो जाएगा ना। सो हो गया, चलो 2 मिनट जाओ। तो ये बोर्ड लेवल में फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन हमारा खत्म करवा देता है। सर हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर अल्फा में आपने जो रेंज बोला था सर, वो 360 में वो ओपन है क्या सर? हाँ 360 वो ओपन है, क्योंकि 360 और 0 डिग्री तो सेम ही हो जाएगा ना। हाँ सर, इसलिए वो ओपन है। दो मिनट रुको,
लास्ट क्लास में इंटरसेप्ट फॉर्म का मैंने सम्स नहीं करवाया था, तो इसलिए दो इंटरसेप्ट फॉर्म का सम दे रहा हूँ, दो नॉर्मल फॉर्म का सम दे रहा हूँ। तो फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बोर्ड लेवल में ये खत्म करता है। हाँ तो चलो शुरू करो, ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा हाँ, क्योंकि आज मुझे एक लेवल में चीजें खत्म भी करना है, तो इसीलिए तो मैं एक एक मिनट दे रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर वन। एक तो ये तरीका है कि तुम ऑप्शन डाल के देख लो कि ये पॉइंट किससे सेटिस्फाई कर रहा है, मगर कृपया करके वो मत करना। हाँ, सॉल्व करने का कोशिश करो। एक तो ये तरीका है ऑब्जेक्टिव में कि ये जिसे सेटिस्फाई कर रहा है वही आंसर होगा। चलो ठीक है, डेढ़ मिनट ही देता हूँ, तो क्योंकि जब करवा ही रहा हूं तो एक जगह ही स्लो होना चाहिए। स्पीड तुम स्पीड में कैसे करोगे, तुम लोग तो पहली बार कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर वन, डेढ़ मिनट, आंसर निकलने से मुझे बोल देना। फर्स्ट का आंसर निकला किसी का? द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -1 एंड हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? कि अगर एक्स बाय प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 लोगे तो ए इज इक्वल टू बी होगा। कितना आसान सा है, देखो ना यार, एक्स बाय प्लस वाई बाय का वैल्यू 1 होना पड़ेगा, और ये कहां से पास कर रहा है, तो इसका मतलब जो पॉइंट है 2, -1 वो क्या करेगा? सेटिस्फाइज 1। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 ( -1 = 1। दिस इज इक्वल टू 1 ( a = 1। तो हेंस a = 1। अगर a = 1 हुआ तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x / 1 + y / 1 = 1, मतलब x + y = 1। ऑप्शन नंबर ए। चलो नंबर टू बोलो, टू में क्या क्या रहा है? अ लाइन पासिंग थ्रू p - 2, -3 मींस द एक्सिस इन ए एंड बी। मैं बता देता हूं थोड़ा मीनिंग, हाँ जिन लोग से नहीं हो पा रहा है। p - 2, -3 है, तो p ये कॉमा है -2, -3। जो लोग निकालना चाहते हैं ध्यान से देखो ताकि निकाल पाओ। हाँ, आपका साउंड नहीं आ रहा।
सुनाई दे रहा है? यस सर। टू का आंसर आया किसी का? टू में जब ये समझा रहा था तो ऑनलाइन था मैं? नो सर। तरीका सॉरी यार, तब एक्सट्रीमली सॉरी वो तरीका, मैं रुक जाऊ, मैं मेरा फोन दूर रखा हुआ है। Extremely sorry, मैं दोबारा समझा देता हूँ, चलो। क्वेश्चन नंबर टू, अ लाइन पासिंग थ्रू पी माइनस टू कॉमा थ्री, तो देखो क्या करोगे, एक लाइन है जो पी माइनस टू कॉमा थ्री से पास कर रहा है, तो मैं अगर ए को, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ के देखो एक बार क्या कह रहा है, और कह रहा है कि पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:4, मतलब ये 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्लास टेंथ वाला सेक्शन फॉर्मूला निकाल के ए और बी निकालो ना एक बार, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के बोलो क्या निकला, ट्राई करो एक बार। सेक्शन फॉर्मूला तो लगा सकते हो ना, टेक योर टाइम, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं निकल गया था। सर बी क्या आया? 2 का बी, बी ठीक है, तो 3:4 का मतलब क्या हो गया, पी कैसे डिवाइड करेगा, ये पी ले लो माइनस टू कॉमा थ्री, ये ए ले लो ए कॉमा जीरो, ये बी ले लो जीरो कॉमा बी, और ये कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4, तो माइनस टू का वैल्यू क्या हो गया, 3 × 0 प्लस 4 × 8 डिवाइडेड बाय 3 + 4, तो हैंस ए का वैल्यू कितना हो गया, 4567 माइनस 14/4 इज इक्वल टू माइनस 7/2, तो जैसे मैंने एफसीसा निकाला वैसे ऑर्डिनेट भी निकालो, 3 = 3 भी करना होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, तुम लोग बोलोगे सर ये, अगर देखो ये बात सही, अगर तुम ये सेक्शन फॉर्मूला भी नहीं लगा पा रहे हो तो इसका मतलब तुम कैसे, तुम क्यों कैसे बोलोगे कि अरे लास्ट कुछ दिनों से मैं खूब कंप्यूटर यूज कर रहा हूं, मैं स्मार्ट हो गया हूं, सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th है और तुम 10th भी नहीं कर पा रहे हो, तब तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम फिर से वही देखना शुरू करो, मतलब अभी इनरोल उसमें भी कर लो, वो आता है ना कि 6 साल के बच्चे ने इसने बनाया कोडिंग, तो कोडिंग ही बनाओ, उसमें भी इनरोल हो जाओ, क्योंकि देख के कोडिंग बना लोगे, ठीक है, तो वही सब करते रहो तब 3 × अगर ये, अगर सही में तुम लोगों ने अभी तक कॉपी में नहीं लिखा है और ये नहीं किया है, तो इसका मतलब यही है कि यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट, ठीक है, मतलब तुम चाहते हो कि तुम जिंदगी में फ्रस्ट्रेट हो। माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, तो हेंस ट्वाइस x माइनस y प्लस 7 इक्वल टू 0, b आ गया, c में जाओ, मतलब अगर सेक्शन फॉर्मूला भी अभी तक तुमने, अगर तुम्हारे हाथ में पेन नहीं है और तुमने सेक्शन फॉर्मूला भी नहीं लगाया है, तो तुम किसी भी दुनिया के किसी भी चीज को दोष नहीं दे सकते हो कि सर ऑनलाइन क्लास हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लास 10th में तुम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाना जानते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में जाओ, इसका मतलब है कि तुम अल्टीमेटली, बात यह है कि तुम एक बहाने वाले स्टूडेंट्स हो, तुम्हें एक बहाना चाहिए कि नहीं पढ़ने का, और वो बहाना मिल चुका है ऑनलाइन क्लास। ए है क्या सर? नंबर 3 का, 3 का आंसर ए ही होगा। हाँ 3 के लिए मैं दे रहा हूँ 1.5 मिनट, मैं एक नीचे लेके चले जा रहा हूँ, ठीक है थोड़ा सा, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ ऊपर एक बार देख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कौन बनेगा करोड़पति नहीं है कि तुम ऊपर में अभी जो तुमने सम किया था, ये वाला फॉर्म तुमने लिखा था जो, वो लिख के दोबारा करो, तुम बोलोगे सर आपने अभी जो कराया अभी तक लिखा ही नहीं है, मेरे ब्रेन में खूब चलता है, ठीक है वो तो ठीक है, तब बहुत बढ़िया बात है।
अगर व्हाट्सएप ऑन है साथ में, और ये 90% स्टूडेंट जब ऑनलाइन क्लास करते हैं तो साथ में व्हाट्सएप अपना ऑन रखते हैं, 90% ऑफ द स्टूडेंट मींस दैट 90% ऑफ द स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जो जबरदस्ती पढ़ाई करते हैं। हालांकि ये गलत बात नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ आदमी जबरदस्ती करके भी काफी ऊपर जाता है, स्टेबलाइज होता है, मगर अभी ये प्रॉब्लम हो चुका है कि तुम्हारे पास अब जो वो जबरदस्ती वाला बात है नहीं, मुझे म्यूट कर सकते हो, मेरे क्लास से बाहर निकल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें जो करने का मन है, और व्हाट्सएप देख सकते हो अभी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर x plus y is equal to 6, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सम था, a square plus b square का वैल्यू root 2 है, तो अगर मैं डिवाइड कर देता हूं by root 2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x 1 by root 2 plus 1 by root 2 y is equal to 6 by root 2, दोनों पॉजिटिव है तो ये तो 45 डिग्री में होगा, तो cos pi by 4x plus y into sin pi by 4 is equal to 6 by root 2 का मतलब हो जाएगा 3 into 2 तो 3 root 2, खेला खत्म। ऑप्शन नंबर ए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है, करके देखो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। आगे अब मैं क्या आया, बी बी, ठीक है, तो यहीं पे स्टूडेंट्स दे है ना, इसी बैच में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना जो बना रहे हैं, वी आर गेटिंग द स्टूडेंट्स जो बना रहे हैं। तो उसका दो रीजन है, जब मैं थ्योरी दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ तो तुम एक सीरियस स्टूडेंट बन जा रहे हो, कई लोग हो जाते हैं हाँ, मगर जब मैं थ्योरी दे रहा हूँ तो तुम एक नॉन सीरियस स्टूडेंट की तरह व्हाट्सएप देख रहे हो, या ठीक है नहीं समझने से भी होगा, मगर अगर जब मैंने थ्योरी दिया तब अगर समझ में नहीं आया तो अब सीरियस स्टूडेंट बनके फायदा नहीं है ना, तो इसलिए अब जो ठीक है तो एक बार करके देख लेना, किसी को डाउट है तो मुझे बोलोगे, एग्जैक्टली सेम तरीके से करना है, किसी को डाउट है, मैं रुक रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी का नहीं बना, कोई बंदा है जिसका नहीं बना, सर मैंने ट्राई किया और नहीं बना, दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द बंदा जिसके हाथ में पेन भी नहीं पकड़ रहा है, वो बंदा मुझे प्रॉब्लम उससे है जो अभी तक स्क्रबल करना नहीं सीख चुका है कि पेन से कैसे थोड़ा सा स्क्रबल करके सम्स किया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलता हूं तब मैं। सर एक बार दिखा दीजिए नंबर 4। नंबर 4 ठीक है, कोई पंगा नहीं है, 2x plus 2 root 3y, 2x सम क्या था, 2x plus 2 root 3y plus 11 equal to 0, तो दिस इंप्लाइज twice x plus 2 root 3y is equal to minus 11, मगर माइनस तो होगा नहीं, तो minus 2x minus 2 root 3y is equal to 11, तो a का वैल्यू minus 2 है, b का वैल्यू minus 2 root 3 है, तो root over a square plus b square, 2 2 जा 4 plus 12 is equal to 4, तो मैं किससे डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय 4, अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 1 बाय 2x माइनस रूट 3 बाय 2y इज इक्वल टू 11 बाय 4, तो कॉस अल्फा का वैल्यू माइनस हाफ है, साइन अल्फा का वैल्यू माइनस रूट 3 बाय 2 है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कब होता है, कॉस अल्फा हाफ कब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा का वैल्यू तो तुम्हें पता चला, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वो तो 60 डिग्री के लिए था, मगर मैं जान रहा हूँ कि कॉस भी नेगेटिव है साइन भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है, तो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास अल्फा का वैल्यू क्या था, पाई प्लस थीटा, थीटा समझ में आ रहा है ना क्या था, मेरा कहना था थीटा तुम मान सकते हो कॉस थीटा में, बस साइन को हटा दो, 1/2 ले लो, क्योंकि थीटा हर समय फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये था तुम्हारे पास 60 डिग्री के लिए, मतलब पाई बाय 3 के लिए, तो थीटा अगर पाई बाय 3 होगा तो अल्फा क्या होगा, आया समझ में, जिसका डाउट था, कईयों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, अल्फा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 3, तो इज इक्वल टू 4 पाई बाय 3, तो अल्फा का वैल्यू 4 पाई बाय 3 है, तो इक्वेशन क्या हुआ, नंबर 3 ले लेता हूं इसको, पता नहीं ऊपर 1 2 है या नहीं, तो 3 इंप्लाइज माइनस 1 बाय 2 के बदले कॉस 4 पाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y इनटू sin 4 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 11 बाय 4, आया समझ में, जिसका डाउट था। हां सर, ठीक है, ये थीटा समझ में आया नहीं, पहले ये बोलो, नहीं आया तो मुझे बोलो सर, थीटा समझ में आया ना, क्या करोगे, थीटा न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, बेसिक है, कॉस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ कब होता है, तो जब थीटा का वैल्यू पाई बाय 3 था
तो पाई बाय थीटा, तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो वो पाई प्लस थीटा हो जाएगा। चलो मैं आगे चल रहा हूं अब, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो कभी तुम्हें निकालने बोलेगा कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन टू द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज मॉड ऑफ, इतना सुंदर है ना, बी वाई वन प्लस सी होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। तो मतलब एक बार पहले मैं इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ, फिर प्रूफ बताऊंगा। हाँ सर, ये क्या बोर्ड लेवल में नहीं है क्या सर? ये बोर्ड लेवल में है, अभी मैं बोर्ड लेवल, अभी मैं एनसीईआरटी में हूँ, मैं आरडी शर्मा लेवल में भी नहीं गया हूँ, मैं अभी एनसीईआरटी में, तीन लेवल में पढ़ाऊंगा, मैंने बोला ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं हर एक चीज को देखो ब्रेक करके करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, मगर स्टिल देयर आर द स्टूडेंट्स, मैं जान रहा हूँ जो तुम लोग नहीं कर रहे हो, मतलब बैठ के पढ़ना होगा, बैठ के तुम्हें मतलब एक धर्म बना लो कि तुम्हें डबल डिजिट में हर दिन पढ़ना है, डेढ़ साल तक डबल डिजिट में पढ़ोगे, मतलब 10 घंटा पढ़ोगे ही, जिस दिन स्कूल नहीं है, जिस दिन कुछ भी नहीं है, अगर ये कर दोगे तो मैं गारंटी देता हूँ रिजल्ट दोगे, मगर उससे कम पढ़ने से मुझे नहीं मालूम है कैसे रिजल्ट निकलता है, उसके कम पढ़ने से यूट्यूब में आ जाएगा कि 2 महीने में रिजल्ट निकालो, वो यूट्यूब वाला वीडियो सही है, देखते रहो निकाल लोगे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी एक्स वन वाई वन टू द लाइन, इतना, जैसे फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए थ्री कॉमा माइनस फोर टू द लाइन एक्स प्लस वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो। तो मतलब ये एक लाइन है x प्लस वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो, ये एक पॉइंट है थ्री कॉमा माइनस फोर। मेरा कहना है यहां से जब तुम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचोगे तो मुझे ए एम का वैल्यू चाहिए। तो क्या फॉर्म था, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x के बदले a तो यहाँ पे 1 है, तो x के बदले क्या आ जाएगा तब, 3 प्लस y के बदले क्या आ जाएगा, वाई वन, तो क्या आ जाएगा माइनस फोर प्लस सी तो 10 है डिवाइडेड बाय ए, क्या है यहाँ पे, जब तुम एक्स प्लस वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो में ए लिखते हो तो ए क्या है, ए 1 है, बी भी क्या है 1, तो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 13 माइनस फोर 9, तो आंसर हो जाएगा 13 माइनस फोर 9 डिवाइडेड बाय रूट 2, तो ये आंसर है। मॉड क्यों दिया, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी को लिखना है तो लिख लो, ऊपर वाला तो फॉसिबल लिखने का टाइम दिया था मैंने, 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर प्रूफ में जाऊंगा और फिर सम्स करवाऊंगा। बोर्ड लेवल में और ज्यादा थ्योरी बाकी नहीं है सही बोलूं तो, बस और ऑलमोस्ट थ्योरी खत्म है बोर्ड लेवल का। लाइन नंबर नहीं, ए का वैल्यू क्या है बोलना, यहाँ पे इसे कंपेयर करके ए का वैल्यू क्या आया, बी का वैल्यू और एक्स वन वाई वन क्या है, तो पॉइंट तो डाल दो वो, और आया समझ में। चलो आगे, यस सर, चलो आगे चलता हूं तब। तो प्रूफ क्या है, बड़ा अच्छा प्रूफ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूज कहां पे पड़ता है, एरिया में। तो सपोज तुम्हारा लाइन का जो इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो,
ये लाइन का इक्वेशन है। तो इसका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वो होगा माइनस सी बाय ए कॉमा जीरो, और इसका वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो होगा जीरो कॉमा माइनस सी बाय बी। यहाँ पे एक पॉइंट है पी एक्स वन कॉमा वाई वन, मुझे पी एम मतलब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना है। मैं जानता हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूज मुझे कब पड़ता है, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूज पड़ता है एरिया में। मुझे ए बी बेस का लेंथ मालूम है, रूट ओवर ऑफ सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब मॉड निकलेगा क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं कि ए बी पॉजिटिव ही है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी मैं दो 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 तरीके से निकाल सकता हूं, जबरदस्त प्रूफ है मैं मानता हूं। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, एक मैं निकाल सकता हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए बी इंटू पी एम, दिस इज सेम एज, दिस इज सेम एज क्लास टेंथ में तुम एक फॉर्मूला सीखे हो, मॉड ऑफ एक्स वन के साथ माइनस सी बाय बी माइनस जीरो, जीरो उसके बाद तो प्लस जीरो हो जाएगा तो कुछ सीखने का जरूरत नहीं है, माइनस सी बाय ए के साथ वाई वन प्लस सी बाय बी, कहीं भी डाउट है तो मुझे बोलोगे। हाफ माइनस सी एक्स वन माइनस सी वाई वन प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस सी एक्स वन माइनस सी वाई वन डिवाइडेड बाय ए बी। मैंने गलती किया है क्योंकि यहाँ पे बी है, अगर मैं कॉमन लूंगा तो मैंने गलती किया, अच्छे से लिख देता हूँ, सॉरी। माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये सी एक्स वन बाय बी होगा प्लस सी वाई वन बाय ए होगा प्लस सी बाय ए बी होगा, ठीक है अब सही है। तो दिस कैन बी रिटन एज हाफ इंटू ए बी के बदले क्या लिख सकता हूँ, ए बी का लेंथ मैंने निकाल के रखा हुआ है, मॉड सी डिवाइडेड बाय मॉड ए बी इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी एम इज इक्वल टू, मॉड में माइनस मीनिंगलेस है क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं मॉड ऑफ माइनस अल्फा लिखूं या मॉड ऑफ अल्फा लिखूं बात बराबर है क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इस माइनस को हटा देता हूं और एलसीएम ले लेता हूं ए बी, सी ए कॉमन ले लेता हूं, तो ये मुझे मिलेगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, मॉड सी कैंसिल क्योंकि ये भी मॉड के अंदर है, मॉड ए बी कैंसिल और एक वन बाय टू में वन बाय टू कैंसिल, तो क्या मिला मुझे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हर समय पॉजिटिव होता है ये मॉड के अंदर आ सकता है, मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, तो हेंस पी एम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलेंगे, ये इसका प्रूफ है। दोबारा बता दूं, अगर ये एक लाइन है मैंने क्या किया, मुझे मैं जानता हूं कि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूज मुझे एरिया में पड़ता है, मुझे अगर तीन पॉइंट पता है तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं, तो तीन पॉइंट के हेल्प से मैंने एक बार एरिया निकाला, ये तो तुम लोग क्लास सेवन से ही जानते हो ये फार्मूला, और एक फार्मूला तुमने क्लास टेंथ में सीखा था कोऑर्डिनेट वाइज, अब तुम्हें ये निकालते हो, दोनों साइड कंपेयर करके मुझे ये वैल्यू मिलता है, और पीएम इज नथिंग बट पीएम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फार्मूला तुम लोग को याद रखना होगा, लिखना है तो लिख लो, काफी लंबा था, मैं तीन मिनट का टाइम दे रहा हूँ फिर उसके बाद आगे चलूंगा। मतलब मिनिमम एनसीईआरटी तो करना ही होगा ना रे, मतलब मैं एंट्रेंस के लिए पढ़ूंगा और मैं एनसीईआरटी भी नहीं बनाऊंगा, मैं डीपीपी भी नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा, मैं केवल यूट्यूब में वीडियो देखते जाऊंगा, कभी आपका वीडियो देखूंगा, कभी फलाना वीडियो देखूंगा, कभी फलाना वीडियो देखूंगा, तो अगर वीडियो ही देखना है तो इससे ज्यादा अच्छा है कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लो ना, वो ज्यादा अच्छा वीडियो है, वहां पे तुम्हें ज्यादा मोटिवेटिंग मूवीज मिलेगा, तो कभी भाग मिल्खा भाग देख लेना, कभी दबंग देख लेना, और दबंग में तो अच्छा वो मोटिवेशनल मूवी नहीं है वो, सॉरी, ठीक है, सुल्तान देख लेना, कभी कोई अंग्रेजी मूवी देख लेना, द लास्ट समुराई देख लेना, मोटिवेट होते जाओगे, मोटिवेशन जरूरी है, सुबह से शाम तक मोटिवेट होते जाना वो इंपॉर्टेंट है। मैथ्स मत बनाना, मगर द ब्यूटीफुल माइंड देख लेना, ग्लेडिएटर देख लेना, एकदम मोटिवेट हो जाओगे और अच्छा भी लगेगा, सब में ऑलमोस्ट हीरो लास्ट में मर ही जाता है, बड़ा मजा बात है, दुखी दुखी रहोगे थोड़ा सा,
motivation with frustration is very good thing at present. सर बोलते जा, सुन रहा हूँ सर. अगर दिन में 2-3 घंटा ट्यूशन रहे तो कितना घंटा पढ़ना चाहिए? 10 घंटा निकाल सकते हो पढ़ने का, आराम से निकाल सकते हो 10 घंटा पढ़ने के लिए. अगर मेरा कहना है 4 घंटा 10+4 14 घंटा, तो 10 घंटा सोना है तुम आराम से निकाल सकते हो. ठीक है, 10 घंटा नहीं तो 8 घंटा तो एटलीस्ट निकाल ही लो, 8 घंटा तो निकाल ही लो. मगर उस 4 को माइनस करके 6 करने से नहीं आएगा, है समझ में सर? 4 को तू 6 में, मतलब ये नहीं कि वो 10 में 4 घंटा ट्यूशन है 6 घंटा में पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, नहीं तब नहीं होगा, तब नहीं बनने वाला, तब चीजें नहीं होगा. क्योंकि तब मतलब मुझे वो और वो तरीका भी सही है जो तू अभी केवीपीआई के लिए कर रहा है कि पास्ट ईयर को सॉल्व कर थोड़ा, मगर स्पीड में कर, मतलब स्पीड में पास्ट ईयर को सॉल्व कर. थ्योरी नाम का चीज बहुत कम एग्जिस्ट करता है मैथ्स में, मैक्सिमम टाइम ट्रिक एग्जिस्ट करता है. जब तक ये समझोगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा कईयों के साथ. इस चीज को समझो, वो केवल बिजनेस टैक्टिक्स है. मतलब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का बात नहीं जानता हूँ, ठीक है. मैथ्स में जो वो थ्योरी 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 कहा जाता है ना, वो केवल एक बिजनेस टैक्टिक्स है. मतलब तुम्हारे कॉन्फिडेंस को लूज करने के लिए कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा थ्योरी नहीं है, बेटा यहाँ पे थ्योरी सीख ले, बेटा यहाँ पे थ्योरी सीख ले. जब तक प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू नहीं करोगे, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू नहीं करोगे, भेजे में थ्योरी नहीं घुसेगा. सर आज थोड़ा सा नंबर थ्योरी वाला समझा दीजिएगा. वाला ठीक है, रुक जा सर, थोड़ा रह गया था. हाँ सर हो गया, चलो आगे चल रहा हूँ. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. तो सबसे पहले ये चीज समझो कि पैरेलल लाइन दिखता कैसा है, इससे पहले मुझे ये बताना होगा. ठीक है, कोई भी पैरेलल लाइन ऐसा दिखता है. पैरेलल लाइन का मतलब है कि दे हैव सेम स्लोप. तो अगर एक लाइन y इक्वल टू mx प्लस c1 दिखा तो दूसरा लाइन जो होगा वो y इक्वल टू mx प्लस c2 दिखेगा हर समय. पैरेलल लाइन हर समय ऐसा दिखता है. तो अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो मुझे इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? तो मेरा कहना, अगर ये पैरेलल लाइन है तो सपोज ये पैरेलल लाइन है, तो वन का कोई, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है. तो लाइन 1 का कोई भी एक पॉइंट निकाल लो, तो तुम ये वाला पॉइंट तो आराम से निकाल सकते हो. ये पॉइंट ए जो होगा, एक्स इसका वैल्यू 0 होगा, तो एक्स इसमें तुम 0 डाल रहे हो, तो वाई का वैल्यू c1 हो जाएगा. और इसे अगर तुम लिखोगे इससे पहले वाले फॉर्म में, तो ये mx माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा. क्योंकि लाइन पैरेलल है तो मेरा कहना है, मैं कहीं किसी भी पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचूं, क्या उसका लेंथ सेम नहीं होगा? हाँ या ना? यस सर. ओके सर. तो कौन सा तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो? क्या ये बोल्ड वाला तुम आराम से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें ए का वैल्यू पता है? यस सर. ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ना. अगर मेरा कहना है कि अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, ये एएम. तो ये एएम क्या है? एएम इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. तो दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम a0, c1 टू द लाइन
mx minus y plus c2 is equal to 0, तो बोलोगे perpendicular distance का formula क्या था, याद है? अभी जब थोड़ी देर पहले मैंने दिया था, x के बदले क्या डालोगे? 0. y के बदले क्या डालोगे? c1. तो minus c1 plus c2 by root hour of a और b, क्या है? m square root over n square minus root over n square plus minus 1 का whole square, तो plus 1. तो this is nothing but क्या मिला? Mod of c1 minus c2 by root over 1 plus m square. तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि distance between two parallel lines कैसा दिखेगा? Distance between two parallel lines y equal to mx plus c1 and y is equal to mx plus c2 is क्या है? Mod of c1 minus c2 by root over of m square plus 1. कोई लिख लेगा क्या? ये इसका प्रूफ है. फिर आगे चलते हैं. दो मिनट का टाइम दे देता हूं. तो मुझे बस यही चाहिए कि तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, नहीं कि हाँ मैं रेडी हूं पढ़ने के लिए उस टाइप से. अगर वो कॉन्फिडेंस तो मुझे तुम्हारे अंदर हो जाएगा ना, मतलब. मगर सबसे बड़ी बात है कि तुम लोग में से कई स्टूडेंट को ऐसा फील होता है कि पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा. वो कभी भी नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होगा. पढ़ाई शुरू करोगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब तुम्हें ठीक है वो. अगर तुम्हें पहले रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें फिर किरो यंग के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, कि वो तुम्हें कोई एक अंगूठी दे कि हाँ तुम रिजल्ट दोगे और उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करो, या माँ कामाख्या के वहां पे जाओ, वहां पे बहुत लोग बैठे रहते हैं. मगर अगर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पहले कॉन्फिडेंस कभी नहीं दे पाऊंगा कि यू आर गोइंग टू गिव द रिजल्ट. हाँ, आई कैन गिव यू द डीपीपी, आई कैन क्लियर द डाउट्स, आई विल गिव यू द एनसीईआरटी लेवल प्रॉब्लम्स. तो एक एक करके मैं ऐसे चीजों को देना शुरू करूंगा. मगर उसे बनाओगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं बनाओगे तो कहां पे कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं बनाओगे तो फ्रस्ट्रेशन ही आएगा. हाँ बोलो, कौन सा? अरे उससे कोई अंतर नहीं है ना, मॉड है ना, समझ में आया? मॉड में मैं सी वन माइनस सी टू दू या सी टू माइनस सी वन, बात बराबर होगा या नहीं? उससे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो मॉड है, तो मॉड है तो इट्स ओके, तब तो सेम ही हो गया. चलो आगे. एक मिनट रुकिए सर, मेरा कनेक्शन चला गया. सर अगर स्कूल रहे उस दिन 8 घंटा करने से होगा? नहीं, स्कूल वाले दिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है. स्कूल वाले दिन तुम्हें मैनेज, स्कूल वाले दिन 8 घंटा भी निकालना मुश्किल है. तो अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो थोड़ा मैनेज कर सकते हो. ऑफलाइन क्लास में तो कितने तब, मतलब तब तुम्हें थोड़ा कम करना होगा. मतलब क्या स्कूल जाके मैं ऐसे ही, मतलब ठीक है तो वो बाद में फोन कर. हाँ, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रहा है इसीलिए. हाँ ठीक है. हाँ मुझे फोन कर, मैं बात करूंगा तुझसे. हाँ फोन में बात करूंगा. ठीक है. ठीक है. आगे चलूं? हाँ सर. चलो तो देखो, कोई भी पैरेलल लाइन तो ऐसा भी दिख सकता है ना, मतलब स्लोप सेम होना पड़ेगा. तो मैं जानता हूं कि अगर मैं ax plus by plus c1 equal to 0 दूं,
तो इसका भी स्लोप माइनस ए बाई बी है, और अगर मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो दूं तो इसका भी स्लोप माइनस ए बाई बी ही है, दोनों का स्लोप एम वन एम टू। तो ये दो लाइन भी पैरेलल है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई का, ठीक है, ये और ये तुम्हारे पास सेम होना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पे भी तुम्हें एक रिजल्ट दे सकता हूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो इज मॉड ऑफ सी वन माइनस सी टू बाय, तब ये सर प्रूफ क्या है, ऊपर वाला ही प्रूफ है, बार बार प्रूफ नहीं कराऊंगा। हाँ तो सर यूज क्या है बता देता हूं, प्रॉब्लम फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर हूज टू साइड्स आर 3x plus 4y plus 10 equal to 0 and 6x plus 8y minus 4 equal to 0। क्या ये लाइन पैरेलल है? क्लास 10th का एक थ्योरी था कि a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइन अगर ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो, मतलब ये मतलब ज्यादा स्पेसिफिक, ये ज्यादा स्पेसिफिक था नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तब तुम बोलोगे पैरेलल बट नॉट, मैं कोइंसिडेंट को भी पैरेलल ले रहा हूं रे, इसलिए मैं इसे अलग से लिखा रहा हूं, बट नॉट को इंसिडेंट मतलब अलग अलग है। और वही अगर ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू तब दे रिप्रेजेंट, मतलब दे रिप्रेजेंट सेम लाइन, नहीं क्या, दे रिप्रेजेंट सेम लाइन। और वही चीज अगर ऐसा था ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, देन ये यूनिक सोल्यूशन था, यूनिक सोल्यूशन का मतलब ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन मगर सिंगल नहीं, मतलब वन पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसा ये वाला ऐसा और ये एक ही लाइन होगा ये वाला, ये लिखने का टाइम दूंगा घबराओ मत। तो अगर ये लिखने का, अगर तुम्हें लिखने का मन है तो फिर मगर ये सम को अब मैं नीचे लेके आ जाता हूं, तब पहले ये लिख लेना फिर मैं ये सम लिख लेना कॉपी, ठीक है, तो इसे मैं नीचे लेके आता हूं। तो अब मुझे बोलो, अब बोलो क्या ये जो दो लाइन दिया ये दो लाइन पैरेलल है, हाँ या ना? यस सर, यस सर। मगर एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, मेरा जो इक्वेशन मैंने जो अभी तुम लोग को फॉर्मूला दिया था उसमें ए और बी सेम होना चाहिए, मगर यहाँ पे दे आर प्रोपोर्शनल बट नॉट सेम। तब ऐसा होने से अभी डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो सर कब लगेगा? कुछ नहीं करना है, वन को तो वही रखोगे, टू को क्या करोगे, डिवाइड बाय टू, तो हेंस वन इंप्लाइज थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो, टू इंप्लाइज थ्राइस एक्स प्लस फोर वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब दे आर द पैरेलल लाइन, ऊपर भी पैरेलल लाइन है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम कोई फॉर्मूला अभी मैंने दिया था सी वन माइनस सी टू बाय रूट ओवर ऑफ a square plus b square। तो मुझे हेल्प करोगे, c1 का वैल्यू 10 माइनस c2 का वैल्यू माइनस टू माइनस साथ में आएगा माइनस टू डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 3 square plus 4 square plus 4 square तो 12 by 5, तो डिस्टेंस बिटवीन देम 12 by 5। तो स्क्वायर का एरिया, दो पैरेलल साइड दे दिया है और कह रहा है इस स्क्वायर का एरिया निकालो, क्या तुमने ये डिस्टेंस अभी नहीं निकाला? हाँ सर, 12 by 5। तो स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? तुम भी बोलोगे सर बेवकूफ हो, जैसा आप सवाल पूछते हो, 144 by 25 खेला खाता हूँ, ठीक है।
प्लीज सीरियस हो जाओ प्लीज, किसी को लिखना है तो नीचे वाला भी लिख सकते हो, ये लिखना है तो लिख लो, टाइम दे रहा हूं एक मिनट का, प्लीज सीरियस हो जाओ। टाइम अब नहीं है, धीरे धीरे अब हाथ से टाइम निकल जाएगा। मतलब देखो स्ट्रेट लाइन का डीपीपी भी दे रहा हूं, तुम लोग के सर इतना कुछ दे रहे हैं क्या करें, मैंने पहले ही कहा है डीपीपी करोगे तो एनसीईआरटी भी अभी करने का जरूरत नहीं है, आराम से डीपीपी एकदम बेसिक से शुरू है, प्रॉब्लम है तो फिर एनसीईआरटी कर लो या एनसीईआरटी वाला वेबसाइट करो, कुछ एक तो करना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम बोलोगे नहीं सर ये भी नहीं करूंगा वो भी नहीं करूंगा, वीडियो देख के समझूंगा, तो वीडियो देख के समझना है तो समझो वीडियो देख के। तो वीडियो देख के कैसे समझा जाता है वो तो नहीं पता है। सर इसके आगे भी कुछ था क्या सर? नहीं ये तो लिखवा दिया ना सर, ये मैंने नहीं लिखा सर, लिख परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। सर इन दोनों फॉर्मूला में से कौन सा ज्यादा यूज होता है? ये वाला ज्यादा यूज होता है क्योंकि फॉर्म तो ऐसा दिया रहेगा ना, मतलब 3x plus 4y दिया रहेगा ना, मतलब वो वाला वो y equal to mx plus c वाला जो है वो नॉर्मली यूज क्यों होगा, मतलब वो इससे अब तुम इसे उस फॉर्म में डालोगे फिर यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है ये डायरेक्टली यूज करना। फिर दो मिनट दे रहा हूं यहाँ इसके लिए। आगे चलूं सर? तो आगे चलूं? यस सर। यस सर। Concurrent lines. अगर तीन लाइन एक पॉइंट से पास करता है तो उसे concurrent lines कहते हैं। तो जैसे मैं पूछूंगा कि find k if twice x minus y plus 4 equal to 0 x minus twice y plus 3 equal to 0 and
kx plus thrice y plus 4 equal to 0 are concurrent. तीन लाइन दिया रहेगा और तुमसे पूछा रहेगा, पूछा जाएगा कि ये कॉन्कुरेंट है तो k का वैल्यू निकालो. तो क्या करोगे, क्या एल्गोरिथम होगा बोलोगे. अगर तुम्हें कॉन्कुरेंट का मतलब हो गया कि तुम्हें L1 इक्वल टू जीरो और L2 इक्वल टू जीरो का तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, हाँ या ना. और L3 जो है वो कहां से पास करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. समझ में आ रहा ना क्या है? तो इसका एल्गोरिथम ये है कि सॉल्व एनी टू लाइन टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन थर्ड लाइन कहां से पास करेगा, थ्रू दैट पॉइंट. थर्ड लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और वही कहेगा कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो थर्ड लाइन वहां से पास नहीं करेगा. तो यहां पे किसको सॉल्व करना आसान है, क्या पहले दो लाइन को सॉल्व करना आसान नहीं है? यस सर. यस सर. क्योंकि उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है. लास्ट क्लास में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड मैंने सिखाया था, x डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6, 1 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस 1. तो x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 3, y इज इक्वल टू 2 बाय 3. तो मुझे बोल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला था. किसी को भी डाउट है तो बोलोगे तुम लोग में. मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम लोग जैसे क्लास में डाउट पूछते थे यहाँ क्यों नहीं पूछते हो कि सर समझ में नहीं आया. इक्का दुक्का स्टूडेंट है जो लोग पूछ रहे हो. और मैं फिर से कह रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, जो लोग नहीं डाउट पूछ रहे हैं ये वही स्टूडेंट है जो नॉर्मली भी मुझसे डाउट व्हाट्सएप में पूछते हैं. ये वही स्टूडेंट है जो मुझे कहते हैं कि सर डीपीपी 65-61 में आपने 62 का आंसर नहीं दिया था. मतलब दोज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग दे आर आस्किंग मी द डाउट. तो वो क्राउड में मुझे बाकी लोगों को भी लाने का मन है, मगर मैं ला तो तभी पाऊंगा ना जब तुम करोगे. मैं बार बार कह रहा हूं कि डाउट पूछने से टीचर के प्रति एक रेस्पेक्ट बढ़ता है. मैं टीचर तुम्हारा इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर इसलिए भी तुम्हारा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर रहा हूं. तुम हर समय देखना जो टीचर तुम्हारा डाउट क्लियर करेगा उसके प्रति तुम्हारा एक रेस्पेक्ट रहता है. मगर अगर तुम वो डाउट पूछोगे ही नहीं तो वो रेस्पेक्ट कहां से आएगा तब. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है तो अब क्या होने वाला है तब. तो हेंस L3 का वैल्यू क्या था, L3 का वैल्यू था kx plus 3y plus 4. तो L3 जो होगा kx plus 3y plus 4 equal to 0 कहां से पास कर रहा है, passes through a minus 5 comma 3 comma 2 by 3. इसका मतलब ये इसे क्या करेगा, satisfy. satisfy. तो this implies k into minus 5 by 3 plus 3 into 2 by 3 plus 4 equal to 0. तो this implies k is equal to हो गया. ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो. ये तो थोड़ा लंबा सम था तो पहले ऊपर रखता हूँ फिर नीचे जाऊंगा. थोड़ा नीचे
आगे चलूं? यस सर। हाँ सर। पहले आज थोड़ा मैक्सिमम आज थ्योरी थोड़ा खत्म कर देता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बैठ के सम्स करेंगे। एंगल बिटवीन द लाइंस हो गया है, अब इस टाइप का सम जहां पे क्या होगा तुम्हारे पास, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड मेकिंग अ गिवन एंगल विथ अ गिवन लाइन सॉल्यूशन सॉरी प्रॉब्लम। ये कोई थ्योरी नहीं है, एक ट्रिक है कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, कुछ एक ऐसा दिया रहेगा कि कहीं से पास कर रहा है और कुछ एक एंगल बनाएगा। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि प्रॉब्लम फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एन और मेकिंग Equation of a line passing through a given point and making a given angle with a given line and making a given angle and making a given angle making a given angle find equation of a line passing through a minus 2 comma 3 and making angle 45 degree angle 45 degree with x plus twice y plus 5 equal to 0 4x plus twice y so minus 8 satisfy nikala plus twice y plus 5 equal to 0। ab pehle sum karwa deta hu fir likhne ka time dunga। kya pooch raha hai dekho, tumhe ek equation of line nikalna hai jo a minus 2 comma 3 se pass kar raha hai, to very good माइनस टू कॉमा थ्री और एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है क्या 4x plus 2y plus 5 equal to 0। तो कह रहा है यहां से जो लाइन पास करता है वो इससे 45 डिग्री बना रहा है, ये लाइन L1 है, तुम्हें L2 का इक्वेशन चाहिए। तो L2 के इक्वेशन के लिए तुम्हें दो चीज चाहिए, ये लाइन में तुम्हें ए पॉइंट पता है, मतलब तुम्हें पॉइंट पता है, तुम्हें इसका स्लोप नहीं पता है, मगर तुम्हें इसका स्लोप पता है और इन दोनों के बीच का एंगल पता है। तो क्या स्लोप निकाल पाओगे? लास्ट क्लास में कोई फॉर्मूला दिया गया था सॉल्यूशन, क्या हम लोगों ने टेन अल्फा करके कुछ फॉर्मूला लास्ट क्लास में देखा था? देखें तो पहला वाला सम समझ में आ रहा है क्या? पहले सम को समझो एक बार पढ़ के क्या कह रहा है। तो आई स्वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम देता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन जो ए माइनस टू कॉमा थ्री से पास करे और 45 डिग्री बनाए 4x plus 2y plus 5 के साथ, तो m1 इसका स्लोप होगा, ये होगा माइनस ए बाय बी, तो माइनस फोर बाय टू तो इज इक्वल टू माइनस टू, तो m1 मिल गया। मुझे m2 का वैल्यू निकालना है, m2 जो है वो स्लोप ऑफ l2 है, स्लोप ऑफ l2 क्या इंफॉर्मेशन दिया है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना है 45 डिग्री, जिसे अल्फा ले लेता हूं। तो लास्ट क्लास एक फॉर्मूला दिया था tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 और 45 डिग्री होने के कारण ये tan 45 डिग्री जिसका वैल्यू 1 है। तो दिस इंप्लाइज m1 के बदले तुम क्या डालोगे, माइनस टू माइनस एम डिवाइडेड बाय 1 माइनस ट्वाइस एम 1 सॉरी माइनस टू माइनस एम बाय माइनस m2, इसको m2 को m ले लेता हूं, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे m2 लिखना पसंद नहीं है,
m2 को मैं m ले लेता हूं, तो माइनस टू माइनस m डिवाइडेड बाय वन माइनस ट्वाइस m इज इक्वल टू वन, तो क्या आया, तो दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ, दिस इंप्लाइज माइनस टू माइनस m बाय वन माइनस ट्वाइस m इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो दो केस लोगे, केस वन अगर प्लस वाला केस लो तो माइनस टू माइनस एम बाय वन माइनस ट्वाइस एम इक्वल टू वन, तो दिस इंप्लाइज माइनस टू माइनस एम इक्वल टू वन माइनस ट्वाइस एम, तो दिस इंप्लाइज एम इज इक्वल टू थ्री, केस टू लो, केस टू नेगेटिव साइन ले लो, माइनस टू किस वाले में, इस वाले में, तो माइनस टू माइनस एम बाय वन माइनस ट्वाइस एम इक्वल टू माइनस वन, मतलब माइनस टू माइनस एम इक्वल टू माइनस वन प्लस ट्वाइस एम, तो मीन्स माइनस ट्वाइस एम इक्वल टू वन, तो एम इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री, तो दो लाइन क्यों निकला, अगर एम का वैल्यू थ्री निकला तो आप क्या इक्वेशन निकाल पाओगे, ए क्या था किसी को पता है, लिखा है क्या, नहीं, माइनस टू कॉमा थ्री, ए था माइनस टू कॉमा थ्री और इसका स्लोप एम था, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, याद है इक्वेशन ऑफ लाइन एल टू क्या फॉर्म था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस थ्री क्योंकि यहाँ से पास कर रहा है, इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ x प्लस टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ l2 y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री टाइम्स ऑफ x प्लस टू। अगर तुम ये बोल रहे हो कि सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने लास्ट दो तीन महीने से आपका असाइनमेंट सीट सॉल्व नहीं किया और उसके कारण मैं स्ट्रेट लाइन भी नहीं बना पा रहा हूं, तो ये टोटली एक फालतू बहाना है, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं लग रहा है, कहीं भी सिक्वेंसेस का यूज नहीं लग रहा है, टोटली एक नया टॉपिक है, तो अगर तुमने सिक्वेंसेस नहीं भी बनाया है तब भी तुम स्ट्रेट लाइन कर पाओगे, अगर तुम्हें मेहनत करने का मन है तो, अगर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है तो नहीं पढ़ने का तो हजार बहाना है कि सर लास्ट दो महीना से नहीं पढ़ रहा था इसलिए ये भी नहीं, ये टॉपिक भी मैं नहीं पढ़ पाया, और वो तो मालूम ही है ये टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे तो इसके बाद नेक्स्ट डेढ़ महीना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो तो ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, वहां तो मैंने ही बोल दिया, तो एज अ हो तो मजा ही आ गया, तो इसीलिए इस चीज को ध्यान से सोच के थोड़ा मेहनत अच्छे से करना शुरू करो, सबको ये बात बोल रहा हूं, तो किसी को कहीं पे, अच्छा दो लाइन क्यों आया तुम बोलोगे, मैं बताता हूं दो क्यों आया, ए से क्या एक ही ऐसा लाइन ड्रॉ हो सकता है जो एंगल 45 डिग्री बनाएगा, या और एक लाइन ड्रॉ हो सकता है, ध्यान से देखो, क्या और एक लाइन नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं, दो लाइन हो सकता है ना, एक यहां से और एक यहां से, तो इसलिए तुम्हें दो वैल्यू मिला, किसी को लिखना है तो लिख लो, ऐसा और एक सम कराऊंगा क्योंकि ये लंबा सम है, मैं जान रहा हूं एग्जैक्टली सेम होगा, बस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, लिखना है तो लिख लो, ऊपर हेडिंग भी दे दो, काफी लंबा समय, चार मिनट का टाइम दे रहा हूं, मुझे बोलते जाओगे मैं ऊपर लेते हुए जाऊंगा, कहीं डाउट है तो बोलोगे, कुछ बक रहा हूं सुनते जाओ, समझ में आया क्या, कि ये केवल अभी एक बहाना होगा कि सर मैंने आपका, हाँ ये बात सही है कि क्योंकि तुम कुछ महीनों से पढ़ना भूल गए हो, तो हो सकता है कि अभी पढ़ने के लिए जब बैठ रहे हो तो तुम्हारे बुद्धि में कुछ भी चीज नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या कहां से शुरू किया जाए, ये होता है, ये मैं मानता हूं, तो सर उसका भी एक सॉल्यूशन दीजिए, उसका तो सॉल्यूशन यही है कि अपने फ्यूचर को अपने पास्ट के लिए बर्बाद मत करो, एक थॉट है कि अपने पास्ट के लिए अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करो, पास्ट में अगर तुमने कुछ गलती किया है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर को सुधारने का कोशिश क्या करो, सर लाइन 18 में क्या किया है आपने, लाइन 18 में वो माइनस 4 बाय 2 है, वो मिट गया मुझसे, स्लोप, स्लोप निकालने का तरीका था ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, आया समझ में, हाँ सर,
स्लोप निकालने का एक तरीका जो था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ नीचे चलूं बोलते जा सर आपने जो बोला सर मतलब आपके ऑफलाइन सेंटर पे सर मतलब आप डाउट क्लियर करेंगे सर हाँ डाउट्स के लिए तुम आ सकते हो देखो क्लास अभी पॉसिबल नहीं है क्लास बहुत स्लो हो जाएगा मगर अगर डाउट्स के लिए तुम्हें आने का मन है तो आराम से आओ सर मतलब आप कैसे टाइमिंग्स मतलब बनाएंगे सर रवि को मतलब हाँ मैं बोल रहा हूँ रवि को आने दो ठीक है रवि मतलब जो बंदा मेरे वहां पे रहता है उसे एक बार आने दो तो उसके बाद मैं तुम लोग को टाइमिंग बता दूंगा ठीक है मतलब देखो क्लास के टाइमिंग में तो नहीं रहूंगा वीकडेज में मैं या तो मॉर्निंग आवर में रहूंगा नहीं तो संडे को इवनिंग रहूंगा ठीक है सर थोड़ा नीचे कर दिए ठीक है तो क्या होता है ना कि तुम देखो आईपीएल में तुम लोगों ने एक चीज देखा होगा कि आईपीएल में 14th ओवर के बाद एक टाइम आउट लिया जाता है अगर वो टाइम आउट नहीं लिया जाए ना तो जीतने वाला टाइम जीत जाएगा मतलब वो टाइम आउट नहीं है वो जबरदस्ती गेम को स्लो करने का एक प्रोसेस है ताकि बंदा आउट हो जाए और ये हर समय होता है 33 ओवर में जब वनडे में ड्रिंक्स होता है तो ड्रिंक्स के बाद बंदा आउट होता है बैट्समैन क्योंकि बैट्समैन का कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है तो वो जो 14th ओवर में दिया गया वो एक तरीके से मैच को फिक्सिंग करने के लिए दिया गया है कि जो टीम जीत रही है वो उस मोमेंटम के साथ जीत ना जाए क्योंकि और आधा घंटा अगर खिला लोगे तो खेला खत्म हो जाएगा ये बास्केटबॉल थोड़ी ना है जहां पे टाइम आउट का जरूरी होता है तो गेम को जानबूझ के इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि बैट्समैन का कंसंट्रेशन टूट जाए वो टाइम आउट लिया जाता है तुम लोगों में से कुछ कुछ लोगों ने वो लंबा टाइम आउट ले लिया है क्लास 10th के बाद तो इसलिए अब जब पढ़ रहे हो तो आउट हो जा रहे हो तो इसलिए कुछ दिन तक थोड़ा स्लो ही खेलो मतलब स्लो खेलो मतलब कम मत पढ़ो पढ़ो 10 घंटा मगर स्लोली स्लोली पढ़ो एक ही टाइम में बैठ के आज से मैं मोटिवेट हो गया हूं तो आज मैं 80 वर्मा खत्म कर दूंगा सर का डीपीपी खत्म कर दूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा टाए टाए फूस एक चीज नहीं होता है तो नहीं मैं आज से पढ़ाई शुरू करूंगा आज का तारीख 5 है 5 से लेके 15 तारीख तक मेरा मेन नेम एचसी वर्मा है 15 से 25 तक मेरा मेन नेम मोमेंटम मैथ्स का लेके आना है तो हो गया वेरी गुड आगे चलता हूं चलो आगे चलो हाँ ठीक है चलो सेम सम हाँ प्रॉब्लम द वर्टेक्स of equilateral triangle is 2, -3 and equation of opposite side is x plus twice y x minus twice y plus 5 is equal to 0. Find equation of remaining side. Solution. The vertex of a equation of a triangle is 2, -1. Equilateral triangle. Oh, EQ matlab equilateral. Yeah? Equilateral. The vertex of an equilateral triangle is 2, -3 and opposite side is x minus 2y plus 5 equal to 0.
मेरा कहना है कि अगर मैं m2 का वैल्यू m ले लूं तो क्या तुम इसका इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो a b a c, और अगर मैं ये m ले लूं तो मुझे मालूम है कि इक्वेशन ऑफ ac कैसा दिखेगा, क्योंकि मैं ये नीचे लिखना पसंद नहीं करूंगा। y plus 3 equal to m times of x minus 2, बस मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे m का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, मगर क्या मुझे m1 पता है? सुनने में आ रहा है? हाँ सर। तो क्या मुझे m1 का वैल्यू पता है? हाँ, 1 by 2। क्या मुझे ये एंगल पता है? Yes, 60 degree। अगर मुझे 60 डिग्री पता ही चल चुका है तो मुझे मालूम है tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो होगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री रूट 3। तो m1 के बदले मैं ले लेता हूं 1 बाय 2 माइनस m बाय 1 प्लस m बाय 2 इज इक्वल टू रूट 3, मतलब 1 माइनस ट्वाइस m इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस m। क्या करूंगा तो 1 माइनस ट्वाइस m इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस m। तो दो केस लेता हूं, पहले प्लस केस लेता हूं तो क्या आया 1 माइनस ट्वाइस m इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस m, तो m का वैल्यू क्या आया 2 रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 माइनस रूट 3, और नेगेटिव लूंगा तो 1 माइनस ट्वाइस m इक्वल टू, वो देख लेना है, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो सकता है, होने से बोल देना, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, माइनस 2 रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 2, खेला खत्म। तो एक बार m निकल गया तो आगे छोड़ दूं ना वैल्यू, तो m निकल गया तो इसमें डाल सकते हो ना। यस मैं वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दो वैल्यू क्यों मिला, समझ में आया? यस सर। यस सर। एक ac के लिए मिला और एक, क्योंकि ये एंगल भी कितना आ रहा है AB. 60 डिग्री, तो एक ab के लिए, तो सेम सम आया। मेरे ख्याल में इससे पहले वाले में डाउट होगा तो इसमें क्लियर हो गया होगा, लिखना है तो लिख लो फिर मैं आगे चलूंगा, ठीक है। दो मिनट रुक जा, सब लिख लेने दे एक बार, हाँ बंदों को, हाँ
आगे चलूं? हाँ सर। चलो एक तो ये तरीका है कि अगर मैं पूछूं कि तुमसे डायरेक्टली अगर मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ एनी लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू ए 0,5 तो तुम बोलोगे सर ये प्रॉब्लम तो आप बोल कर रहे हो ये तो प्रॉब्लम लास्ट क्लास का प्रॉब्लम है। हाँ मैं भी मानता हूँ कि तुम जानते हो कि 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 का जो स्लोप होगा वो 3/2 होगा तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी क्या होगा तब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी 3/2 होगा क्योंकि मैं जानता हूं कि पैरेलल लाइन का मतलब हो गया सेम स्लोप और पॉइंट तो दिया हुआ है कहां से पास कर रहा है 0,5 तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो होगा वो होगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ x माइनस 0 मतलब ट्वाइस y माइनस 10 इक्वल टू थ्राइस x मतलब थ्राइस x माइनस ट्वाइस y प्लस 10 इक्वल टू 0 तो ध्यान से देखो जब तुम एक पैरेलल लाइन खींच रहे हो तो केवल कहां पे वो डिफर कर रहा है दोनों को देखो तो केवल एक जगह में ही वो डिफर कर रहा है कांस्टेंट और वो करेगा ही अगर क्योंकि अगर पैरेलल लाइन लिखोगे मतलब क्योंकि तब तुम डिवाइड कर सकते हो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3x माइनस 2y और 6x माइनस 4y भी लिख सकते हो मगर पैरेलल लाइन इन जनरल जब हम लिखते हैं रिड्यूस फॉर्म में कॉमन मल्टीपल को अगर हटा दूं तो x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे तो इसीलिए हमारे ये लिखने का जरूरत नहीं है एक रिजल्ट मैं तुम्हें दे रहा हूं कि एनी लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कोई भी लाइन अगर इससे पैरेलल है वो दिखेगा ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 मतलब दे डिफर इन कांस्टेंट दे डिफर इन कांस्टेंट क्योंकि उनका स्लोप सेम होना चाहिए और एनी लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 तुम बोलोगे सर क्यों बताऊं इसका स्लोप कितना आया माइनस ए बाय बी इसका स्लोप कितना आया बी बाय दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो एम वन एम टू क्या आया माइनस तो हेंस क्या बोलोगे दो लाइन आपस में पैरेलल है परपेंडिकुलर है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन में क्या करोगे बी और एक्स को इंटरचेंज कर दो साइन चेंज कर दो और सी के बदले लैम्डा दे दो यहाँ पे लैम्डा इज पैरामीटर मतलब सर पैरामीटर कैसे निकलेगा टू बी फाउंड बाय गिवन कंडीशन कोई कंडीशन दिया होगा उससे निकालना होगा मतलब अगर अब मैं तुमसे कभी भी पूछूं प्रॉब्लम फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम 1,2 सॉल्यूशन ध्यान से देखो गिवन लाइन क्या है गिवन लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 कोई भी एनी लाइन परपेंडिकुलर टू 1 कैसा दिखेगा अभी मैंने कुछ बताया था एनी लाइन परपेंडिकुलर मैंने कहा x और y का कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो मतलब 2x प्लस 3y कर दो समझ में आ रहा है माइनस ये माइनस ट्वाइस x माइनस 3y करने का जरूरत नहीं है डायरेक्टली इंटरचेंज कर दो और साइन को चेंज कर देना तो ये ट्वाइस समझ में आया ये तुम बोलोगे सर मगर ये फॉर्म जो नहीं है अरे बात बराबर है यार अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है इसका जो स्लोप है वो a बाय b होना चाहिए इसका स्लोप माइनस b बाय तो मेरा कहना है a और b को इंटरचेंज कर दो और साइन को चेंज कर दो तो मैंने इंटरचेंज कर दिया तुम ये नहीं लिख के तुम ये भी लिख सकते हो माइनस 2x माइनस 3y बात बराबर है हाँ आंसर सेम आएगा
प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, वो गलत नहीं है ठीक है, मगर मैं एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। अब लैम्डा कैसे निकालूं, क्या कोई इंफॉर्मेशन है? देखो जब भी डिस्टेंस बोला जाता है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब ट्वाइस एक्स प्लस थ्री वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो का 1.2 से जो डिस्टेंस होगा वो 3 यूनिट होगा। क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला दिया था अभी मैंने? देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए 1.2 टू, क्या आज कोई एक फॉर्मूला हमें मिला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का? एक्स के बदले वन, तो क्या होगा? इज इक्वल टू जीरो इज थ्री, हाँ 2 × 1 प्लस बोलो 3 × 2 बोलो, कोई पंगा नहीं है, मुझे बोलने से अच्छा लगेगा। 2 प्लस लैम्डा, और किसी को डाउट हो वो भी मुझे बोलेगा, डिवाइडेड बाय 2² + 3² इज इक्वल टू 3। तो अगर लैम्डा तो ये हो गया 3 × 2 = 6, 7, 8, तो 8 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 3√13 लैम्डा। तो क्या दो कंडीशन आएगा, अगर 8 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√13, तो हेंस लैम्डा इज इक्वल टू -8 + -, खेला खत्म। लैम्डा का वैल्यू डाल देना आंसर आ जाएगा, किसी को लिखना है तो लिखो, मैं ऊपर लेके जा रहा हूं पहले। एनी लाइन, मैंने ये बताया, ये एनी लाइन पैरेलल टू इतना, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू इतना, लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलूंगा, कहीं डाउट है तो बोलोगे। तो मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, आया समझ में? मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, डीपीपी बनाना इंपॉर्टेंट है, तो अगर ये सब बनाओगे तभी होगा, नहीं बनाओगे तो फिर। सर थोड़ा नीचे ले जाएंगे, सर ऊपर वाला थोड़ा सा दिखाइए सर। हो गया सर थोड़ा नीचे ले जाइए।
हो गया चलो तो हमने चुप चलो तो आगे चलता हूं। एक चीज सीखोगे तो अच्छा है। हाँ जैसे कि टेकिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन यूजिंग पैरामीटर। सपोज मैंने दिया कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो तुम इसे दो चीज बोल सकते हो। मैं अगर तुम ऐसा कह सकते हो कि सपोज एक पॉइंट ए है, ए अल्फा बीटा लाइज ऑन 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो तुम लिखोगे 2x अल्फा प्लस 2x बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। मगर मैं कभी कभी क्या करूंगा, क्योंकि ये लाइन में रहता है, तो मैं अल्फा को बीटा को अल्फा के टर्म में, अल्फा को बीटा के टर्म में भी लिख सकता हूं। मतलब मैं कभी कभी ये भी कर सकता हूं कि अगर मैं x का वैल्यू t लूंगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, यहां से 5 माइनस 2x t बाय 3। तो मैं डायरेक्टली ये भी बोल सकता हूं कि पी टी कॉमा 2x t बाय 3 लाइज ऑन 1। सर क्या फायदा है बताता हूं। तुम देख लो यहाँ पे दो वेरिएबल अल्फा बीटा है या नहीं, और फिर एक अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन है। पर यहाँ पे तुम्हारे पास दो पैरामीटर है अभी, अल्फा बीटा, मगर यहाँ पे कितना पैरामीटर है? यहाँ तो एक ही पैरामीटर है ना। पैरामीटर मतलब जो वेरी कर रहा है टी, तो एक बार टी निकाल लो तो खेला खत्म हो गया। तो मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पे कंफर्टेबल हो। मतलब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम मुझे बोलो एनी पॉइंट ऑन, ये गलत नहीं है, इससे भी आंसर आता है, एनी पॉइंट ऑन x प्लस 2xy माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसके ऐसा लोगे p? अगर x को t लोगे तो y का वैल्यू, x को अगर t लोगे तो y का वैल्यू बोलोगे 3 माइनस t बाय 2। किसी को डाउट है? और कोई ऐसा भी बोल सकता था, नहीं सर इससे ज्यादा अच्छा ये मुझे लगेगा, मैं y को ही लैम्डा ले लेता हूं तो x का वैल्यू 3 माइनस 2। कौन सा अच्छा लगा तुम्हें, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरे वाले में कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस कम है ना, अरे क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं है। आया समझ में? दोनों एक ही चीज है, मगर मुझे वो इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस कम है। ठीक है, तो अब इसी चीज को मैं एक सम में कराता हूं, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है कि पैरामेट्रिक फॉर्म लेके प्रॉब्लम, अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन लाइंस 5x माइनस y इक्वल प्लस 4 इक्वल टू 0 and 3x plus 4y minus 4 equal to 0 is bisected at the point 1, 5, obtain its equation। सम करके देखो, a line is such that its segment between the line itna and itna is bisected। ek line hai ye, line ka equation hai 5x minus y plus 4 equal to 0,
ये लाइन का इक्वेशन है 3x plus 4y minus 4 equal to 0, और ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, और ये रिक्वायर्ड लाइन L3 है, such that the line segment AB, L3 जो L1, L2 को जिस पॉइंट में कट कर रहा है, वो बाइसेक्ट C में हो रहा है, और C का वैल्यू दिया हुआ है 1.5. सम लिखना है तो लिख लो एक बार, और ये डायग्राम भी बना लो और थोड़ा समझ भी जाओ. ये लास्ट सम है, ठीक है, मुझे मालूम है टाइम हो चुका है, मगर ठीक है, एक चीज खत्म कर देता हूं तो नेक्स्ट क्लास में तब हम लोग बैठ के सम सी सॉल्व करेंगे. अ लाइन इज सच दैट, मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है. अ लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट 1.5. ऑब्टेन इट्स इक्वेशन. तो पॉइंट ए को कैसा लो, कोई बोलेगा तो पहले रुक जा, पहले लिख लो सम. मैं भी बेवकूफ हो जैसा लिखने भी बोलता हूं और फिर मैं कुछ हल्ला भी करने लगता हूं. थ्योरी पार्ट लिखने, वो थ्योरी पार्ट यहीं पे बताऊंगा अभी, इसीलिए उसे लिखने का जरूरत नहीं है, वो स्पेशल केस नहीं है, ठीक है. समय लिख लो, यहाँ पे बताऊंगा यूसेज को मैं भी, ठीक है. मैं वो कोई ऐसा थोड़ी ना बात है कि वो चीज तुम मतलब उस चीज को समझाने के लिए बोल रहा था बस. आगे चलो. A line is such that is segment between the lines इतना ही इतना. तो A कैसा दिखेगा बोलो, A कहाँ पे lie कर रहा है? A lies on 5x minus y plus 4 equal to 0. तो A कैसा दिखेगा? अगर मैं x को t ले लूँ तो y को बोलोगे तो अच्छा लगेगा. 5t plus 4. और किसी को doubt है तो वो भी मुझे बोलेगा. B कहाँ पे lie कर रहा है? 3x plus 4y minus 4 equal to 0. तो B कैसा दिखेगा? अब T नहीं ले लेना रे, T already ले चुके हो, K ले लो. अगर X को K लोगे तो Y का value 4 minus 3 के divided by 4. By 4. अब क्या information कुछ है? क्या ये class 10th level का sum हुआ? एक बार A और B निकाल लोगे तब तो equation निकाल ही लोगे ना रे. एक बार A और B निकाल लो तो 2-point form use कर पाओगे तुम लोग. ए और बी भी निकालने का जरूरत नहीं है, केवल ए निकालने से ही हो जाएगा, क्योंकि सी का वैल्यू तुम्हें 1.5 पता है. तुम्हें L3 का इक्वेशन चाहिए, तुम्हें L3 का इक्वेशन चाहिए. क्या यूज करोगे? ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है. क्या क्लास 10 नहीं है ये? हाँ या ना? सेक्शन फॉर्मूला सी जो होगा वो ए प्लस बी बाई 2 होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ सी से अगर लोगे तो 1 का वैल्यू आएगा के प्लस टी बाय 2, मतलब k प्लस टी का वैल्यू 2, और ऑर्डिनेट अगर लोगे तो 5 का वैल्यू होगा 5t प्लस 4 प्लस 4 माइनस 3 के बाय 4 डिवाइडेड बाय 2. तो दिस इंप्लाइज 20t प्लस 16 प्लस 4 माइनस 3 के इज इक्वल टू 4 × 2 = 5 = 40. तो दिस इंप्लाइज 20t माइनस 3 के is equal to 20. ये number 1, ये number 2. तो यहां से मैं k का value डाल देता हूं, तो 20t minus thrice k का value हो गया 2 minus t is equal to 20. तो this implies 20t, 23t is equal to 26. तो t is equal to 26 by 3. अगर t निकल गया तो कौन सा point निकल गया? बोलोगे कोई? A. तो A. अगर A निकल गया तो खेला खत्म करूं? तो मैं AC का इक्वेशन निकालना है, तो A का वैल्यू हो जाएगा 23/6 और 5 × 26/3. आगे मैं नहीं लिख रहा हूं. और C का तो वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या? 1.5. अगर A और C मिल गया तो क्या इक्वेशन ऑफ AC नहीं निकाल सकते हो? हाँ या ना? Y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 बाय x2. खेला खत्म. किसी को लिखने का मन है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे. तो पैरामेट्रिक फॉर्म चीजों को थोड़ा आसान करता है, ठीक है. तो बोर्ड लेवल का थ्योरी आज खत्म है. तो मैं अगर आज एनसीईआरटी जो लास्ट क्लास में तुम्हें भेजा था, अगर तुम लोग में से कोई रियली में मेहनत करना चाहता है, और क्योंकि ये पहली बार तुम पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे डू नॉट नेग्लेक्ट द एनसीईआरटी, सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करो. एक दो जगह हो सकता है फंस जाओ, मगर मैं फिर से कह रहा हूँ, थ्योरी कहीं भी नया नहीं दूंगा.
हाँ एक दो ट्रिक नया हो सकता है, वो तो तुम्हें भी खुद सोचना पड़ेगा। मैं कभी कभी ऐसा समझेता हूँ कि भाई हाँ तू सोच, नहीं होने से मुझसे पूछ, मैं तो हूं ही। मगर अपने न्यूरॉन्स को जिंदा रखो, अपने न्यूरॉन्स को जिंदा रखो, ठीक है। जब तक न्यूरॉन्स को जिंदा नहीं रखोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और न्यूरॉन्स को जिंदा रखने के लिए चीजों को सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। सुबह उठ के पढ़ना शुरू करो और रात तक पढ़ते ही रहो। तुम बोलोगे सर ऐसा पढ़ने से तो सर मेरा जिंदगी का सोशल लाइफ क्या होगा? जिंदगी में सोशल लाइफ करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, सीरियसली कह रहा हूँ। जो दुनिया अभी जिस टाइप से चीजें का आ चुका है पेंडेमिक उन्डेमिक, एक अच्छा डिग्री लेना सबसे पहला तुम्हारा यही होना चाहिए कि तुम्हारे पास एक अच्छा डिग्री है, ताकि ताकि ऐसा कोई चीज अगर आ जाए कभी और कभी भी, ठीक है। मतलब आजकल तो तुम कुछ कह ही नहीं सकते हो ना यार, डिग्री का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा आ रहा है धीरे धीरे। तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके एक अच्छा डिग्री ले लो, उसके बाद सोशल लाइफ बनाओ ना। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर अभी दो साल पढ़ के एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आज से पांच साल के बाद इनफिल लेके हिमालय के ऊपर नहीं जा सकते हो, आराम से जा सकते हो। ज्यादा अच्छा ही लगेगा, ज्यादा अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तब हो सकता है इनफिल नहीं हर्ली डायमेंशन खरीद के ही लेके जाओ, ठीक है, कि 10 साल बाद हिमालय में फेसबुक में तुम्हारा हिमालय में फोटो आ रहा है हर्ली के ऊपर बैठे हुए हो, कितना अच्छा लगेगा। मगर उसके लिए अभी मेहनत करना होगा ना रे, ताकि हर्ली खरीदने का मजा आए खरीदने में। हाँ अब वो खरीद के ये ना सोचो कि उसका लोन कैसे मारा जाए, ठीक है। लोन से तो आजकल हर कोई भी गाड़ी खरीद सकता है, मगर वो लोन मारने वाला जो चिंता है वो दिमाग में ना रहे। चलो ठीक है, चलो डाउट्स है सर? एक है, व्हाट्सएप पे दिया है आपको। निकल जाओ, तो निकल जाओ, जिन लोग का निकलना है जिनको। सर आप एक बार इसका पीडीएफ भेज देंगे? भेज ही देता हूँ अभी, वरना फिर मैं भूल जाता हूँ भेजना, फिर तुम लोग चार पांच बार याद दिलाते हो। किसी का डाउट है? हाँ सर भेजिए। कौन सा डाउट सर? डीपीपी 64 का। बाय सर। बाय बाय सर। कौन बाय सर? नंबर 3। For what value of A and B, the intercept cutoff on the coordinate axis by the line AX plus BY plus 8 equal to 0. तो इसका X intercept जो होगा वो होगा minus 8 by A comma 0, question number 3. और इसका Y intercept जो होगा वो 0 comma minus 8 by B are equal in length but opposite in sign. मतलब mod of 8 by A is equal to mod of 8 by b हो, मगर ए बी जो हो वो लेस देन 0। आया समझ में? ओ सॉरी सही तरीका ये नहीं है रे, ये नहीं है, सॉरी सॉरी मैंने सम पूरा नहीं पढ़ा। हां इज इक्वल इन लेंथ बट ऑपोजिट साइन टू दोस कट ऑफ बाय इतना, तो ठीक है। तो ट्वाइस x minus 3y plus 6 is equal to 0 का जो x होगा वो minus 3 comma 0 होगा और y intercept जो होगा वो 0 comma 2 होगा। तो इसका मतलब तुम्हारे पास हो गया कि माइनस 8 बाय ए का वैल्यू प्लस 3 होना चाहिए क्योंकि ऑपोजिट इन साइन आया। समझ में आया? हाँ सर। बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो एक ये पॉसिबिलिटी है। तो दूसरा वाला तब माइनस 8 बाय बी का वैल्यू माइनस 2 होना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ सर। तब इससे ए और बी निकालो। इज इट ओके?
यस सर। और सर कल एक भेजा था ना नंबर थ्योरी, उसके वो लेख लंबा, वो एक लंबा समय मैंने तुझे पीएसटी वाले वीडियो में नहीं मिला ये सर? मिला लेकिन ठीक से समझ में नहीं आया। मतलब देखो एक एक चीज क्या है कि let n be the least positive integer such that written last digit of n, such that whenever a non-digital digit c is written in the last digit of n, the resulting number is divisible by c. So suppose wo number jo hai mere paas x dot dot y wo number hai ha, to ye number hai ha, main ise bracket mein de raha hu, to iska matlab ye question ye keh raha hai ki x dot dot y jab tum 1 ye jab ek number bana doge to ye divisible by 1 ho, x dot 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 y 2 जब बनाओगे तो ये divisible by 2 हो, x dot dot y 3 जब बनाओगे तो ये divisible by 3 हो, x dot 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 y 4 जब बनाओगे तो ये divisible by 4 हो, x dot dot y 5 जब बनाओगे तो ये divisible by 5 हो, x dot dot y 6 जब बनाओगे तो ये divisible by 6 हो, x dot dot y 7 जब बनाओगे तो ये divisible by 7 हो, और x dot 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 y 8 जब बनाओगे तो वो divisible by 8 हो, और x dot 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 y 9 जब बनाओगे तो वो divisible by 9 हो। इसमें से by default कुछ कुछ हो रहा है, ये हर समय एक even number है यानी? Yes sir। तो ये by default, मतलब इसके लिए तुझे कोई condition नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए always, और ये always by default always। तो तुम्हें एक ऐसा नंबर चाहिए कि x dot 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 y 3 करने से ये divisible by 3 भी हो, x dot dot y 4 वो divisible by 4 भी हो, x dot 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 y 8 वो divisible by 8 भी हो, x dot dot y 9 divisible by 9 भी हो। तो मेरा कहना है कि अगर x dot 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 y 9 अगर divisible by 9 होगा तब x dot dot y 3 divisible by 3 होना ही पड़ेगा। कोई भी चीज कब 9 से divisible था? जब उसका sum 9 से divisible था। तो इसका मतलब है इसका जो sum है वो 9 से divisible है। अगर मैं 9 को हटा देता हूं तो इसका मतलब है 9 तो है ही मेरे पास, ये अगर 9 से divisible है तो 9 को अगर हटा दूं तो मेरा इसका मतलब है कि x plus dot dot y जो होगा वो divisible by 9 होगा, और अगर ये 9 से divisible है तो ये तो c से भी divisible होगा, होगा या नहीं? Yes sir। तो इसीलिए मैंने बोला कि 3 वाले को हटा दे, 3 का जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वाला केवल ये लेने से चलेगा, आया समझ में? हाँ सर। वैसे ही 4 वाले को हटा दे, केवल ये लेने से चलेगा, आया समझ में? हाँ सर। क्योंकि लास्ट 3 डिजिट और ये, तो इसका मतलब है कि अगर मैं केवल ये देख लूं कि 7, 8, 9 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने से हो जाएगा। ओके सर, अभी ठीक है, यही तो अब समझ में आया? ठीक है ना सर। तो उसके बाद तो फिर एक बार वीडियो देख लेना तो आ जाएगा, ठीक है? इसे मैंने एक यहाँ पे मैंने ज्यादा थ्योरी नहीं दिया, जब मैंने क्लास में बताया था तो एक एक्स्ट्रा एक दो थ्योरी भी दिया था, हाँ वो एक बार देख लेगा तो आ जाएगा समझ में। कुछ और डाउट है किसी का? किसी ने भेजा है कुछ और? ठीक है एक एक करके। हाँ ज्ञान का क्या डाउट है? नंबर 10 डीपीपी 64 का। The length of the line segment AB is 10 units. If the coordinate of one extremity is 2 comma minus 3 and the abscissa of other extremity is 10 comma ये y ले ले और ये 10 ले ले, तो AB का value 10 दिया हुआ है, अब हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई कोई इसका कुछ पूछ रही हो? इज इक्वल टू 10,
तो वाई की पॉसिबिलिटीज निकाल लो। हाँ आंसर का कौन सा है सर? मेरा सर डीपीपी से था सर, वो लॉग का क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 वाला ना, डीपीपी 59 सॉरी। ये सर हाँ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन ऑफ, तो इससे 9 है ना ये, तो इससे 2 बाय 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 बाय 2 log 3x माइनस 1, ये समझ में आया? हाँ सर। तो ये हो जाएगा 2 को मैं ले लेता हूँ log 3 2 प्लस इससे ले सकता हूँ log x माइनस 1 3 का ये होल स्क्वायर है। हाँ माइनस रूट 3 3 टी पर 1 बाय 2, तो 2 इंटू log 3 x माइनस 1। और अब मैं अगर log 3 x माइनस 1 को t ले लूं तो ये मेरे पास हो जाएगा t इज इक्वल टू, ये तो सॉरी ये 2 ही होगा, 2 प्लस t स्क्वायर माइनस ट्वाइस t। छोड़ दूं सर? आप बोलते जा। तो ये t माइनस 1 इंटू t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ तो सर सर ये log 3x माइनस 1 t है ना? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये 1 बाय t हो जाएगा, मैंने गलती लिखा है। हाँ मैंने गलती किया सॉरी। हाँ तो इसका मतलब log 3 माइनस x t, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 2 प्लस, अब सही है? हाँ सर। 2 प्लस 1 बाय t स्क्वायर माइनस ट्वाइस t, तो इसका मतलब ये थ्राइस t क्यूब इज इक्वल टू 2 ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस 1, बाय इंस्पेक्शन एक रूट निकालना होगा। ओ ठीक है सर। ठीक है, और वो आ रहा है देखना, थ्री का टी का वैल्यू 1 डाल दिया जा रहा है, तो टी माइनस 1 इनटू बाकी। ठीक है ठीक है सर। सर और एक डीपीपी से डाउट था। हां ले सर, वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सर, वो उसमें से सर मतलब कि वो क्वेश्चन को मतलब समझ में नहीं आता कि किस तरह सॉल्व करें। सॉल्व करें गिवन x प्लस साइन y इक्वल टू 2008 एंड x प्लस 2008 इनटू cos y इज इक्वल टू 2007, तो मुझे x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो फिर क्या होगा, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर, x को अगर मैं एलिमिनेट करूं कुछ तो करना होगा, अगर मैं x को एलिमिनेट करूं, अगर मैं इसको 1 ले लूं और इसको 2 ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 करूं तो साइन y माइनस 2008 cos y इज इक्वल टू 1 साइन y cos y। इसे सॉल्व करने का मेरे पास बहुत अलग अलग तरीका है, एक हाफ एंगल फॉर्मूला है, अगर सब पॉजिटिव ही है तो स्क्वायर करके भी देख सकता हूँ। तो साइन वाई को मैं अगर कॉस वाई के टर्म में, साइन वाई को अगर मैं ले लूं, साइन वाई इज इक्वल 2008 कॉस वाई इज इक्वल टू साइन वाई माइनस 1, इसमें एक प्रॉब्लम है, वाई 0 से पाई बाय 2 तक है, y 0 से पाई बाय 2 तक है और ये वाला क्वांटिटी हर समय नेगेटिव होगा, तब तो एक ही चीज पॉसिबिलिटी है कि साइन y का वैल्यू 1 हो, मतलब y पाई बाय 2 हो, y अगर पाई बाय 2 हो तो x का वैल्यू, अच्छा ये देखना, अगर मैं 1 माइनस 2 कर दूं तो साइन वाई माइनस 2008 कॉस वाई इक्वल टू 1, ये समझ में आया सर? हाँ सर, हम लोगों ने इक्वेशन को 2008 कॉस वाई इज इक्वल टू साइन वाई माइनस 1। अब देख यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, वाई कहाँ से कहाँ तक है? 0 टू पाई बाय 2।
अगर y 0 से लेके पाई बाय 2 तक है तब तो sin y जो होगा वो हर समय 1 से छोटा होगा, होगा? हाँ सर। और sin y माइनस 1 तो हर समय नेगेटिव होगा, होगा यानी? हाँ सर। नेगेटिव और 0 होगा, हाँ? हाँ। मगर क्योंकि y 0 से पाई बाय 2 तक है तो cos y तो हर समय 0 से बड़ा होगा, होगा यानी? तो 2008 into cos y हर समय 0 से बड़ा होगा, मतलब क्या मिला? लेफ्ट हैंड साइड हर समय 0 या 0 से बड़ा और राइट हैंड साइड हर समय 0 या 0 से छोटा, तब तो एक ही पॉसिबिलिटी है क्या सर? पाई बाय 2 दोनों को एग्जैक्टली 0 आना पड़ेगा, आया समझ में? हाँ सर। बाउंड्री वैल्यू तो उसके बाद तो हो जाएगा, तो इसके बाद x निकाल ले, y निकाल ले, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटर फंक्शन में डाल दे x plus y, ठीक है? आगे तो हो जाएगा ना, पाई बाय 2 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.57 होता है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद वाला सर, हाँ उसमें बोल, फाइंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट। तो चलो, तो अगर लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट बोला है तो पहला तो कंडीशन बनाने से हो जाएगा ना, सॉल्व कर लेना। हाँ, x स्क्वायर माइनस 4x, तो अगर रूट के बीच का डिस्टेंस बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो x एक्सिस को रूट दो जगह कट कर रहा है, अल्फा और बीटा में, नहीं क्या? अल्फा कॉमा 0 और बीटा कॉमा 0, तो रूट्स को रियल होना पड़ेगा। तो रूट्स को रियल होने के लिए क्या कंडीशन होना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 16a स्क्वायर माइनस 4 इनटू 5a स्क्वायर माइनस 6 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 माइनस 20 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 24a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 6 से, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, a इनटू a माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, तो a मेरे पास 0 से लेके 6 तक, ठीक है? ठीक है। द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट होना चाहिए, तो लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट का मतलब ये डिस्टेंस होना पड़ेगा, नहीं क्या? तो डिस्टेंस बिटवीन रूट क्या है क्वेश्चन के अनुसार? तब तो डिस्टेंस बिटवीन रूट जो है वो मॉड ऑफ वो बीटा माइनस अल्फा होगा, होगा ना? तो क्या मैं इसको तब ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, क्योंकि तब मैं अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू निकाल सकता हूँ, सम ऑफ द रूट, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 ए स्क्वायर माइनस 6 ए, क्लियर है? हाँ सर। अब तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो ये 16, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 16 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 24 ए माइनस 6 माइनस 4 ए स्क्वायर। तो 2 को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो रूट ओवर ऑफ 6 ए माइनस 6 ए माइनस ए स्क्वायर, तो मुझे इसका इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ए का वैल्यू है 0 से लेके 6 तक, तो डिफरेंशिएशन जानती है ना? हाँ, तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ जेड, क्या 6 ए माइनस ए स्क्वायर, ए का वैल्यू है 0 से 6 तक, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना मैं डी जेड बाय डी ए ले लूं इज इक्वल टू 0, तो ए का वैल्यू क्या आया 3, नहीं क्या? तो अब मैं जेड का सब जगह वैल्यू निकालता हूँ, जेड ऑफ 0 0 आया, जेड ऑफ 6 भी 0 आया, और जेड ऑफ 3 6 3 जा 18 माइनस 9 9 आया, तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या निकला? 9 0 0, तो इसका मतलब जेड मैक्सिमम जो निकला वो 9 निकला, तो रूट ओवर ऑफ जेड मैक्सिमम चाहिए, तो ये कितना होगा 3, बाहर एक 2 है तो 2 इंटू, तो 3 इंटू 2 6, ध्यान से देख, कहीं डाउट है तो बोल, क्लियर है? वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑन है, एक बार देख सकते हैं, कहीं डाउट है तो बोल सकते हैं, यहाँ पे पूछ। ठीक है, एक बार चेकआउट करके देख लेना, मतलब यहाँ पे ये चीज जानना इम्पोर्टेंट है कि रूट्स का रियल होना जरूरी है, और उसके बाद तो मैक्सिमम मिनिमम देखते ही डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है? और तो तरीका ही नहीं है। चलो ठीक है, इसका भी भेज दूंगा ये डाउट वाला। कोई और है डाउट वाला बंदा? नहीं, ठीक है, तो ये भेज ही देता हूँ एक बार।